Good morning, everybody. Okay. So yesterday, if you remember the last lecture we have completed, we have discussed about leverages. Okay. Three types of leverages we have discussed. We have discussed approximately seven formulas for leverage. One more logic of leverage is pending, which we will discuss today. And then we can, solve the remaining two questions, which I am sure you have solved it. And उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए. ठीक है, नेक्स्ट यूनिट बोल सकते हैं हम लोग. बट बिफोर दैट, हैव यू सॉल्व द टू क्वेश्चंस, बोथ द क्वेश्चंस? दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2 and 3. सो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. द सिलेक्टेड डेटा ऑफ दिस कंपनी पी क्यू एन आर. ओके, यू हैव द वेरिएबल एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स गिवन टू यू, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस गिवन टू यू, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ड्यूएल डीएफएल दोनों दिए थे आपको. एंड आपको इनकम टैक्स रेट भी दिया था. आपने सबसे पहले क्या यूज किया? डीएफएल का फॉर्मूला यूज किया. और फिर डीएफएल का फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज किया आपने. आपने क्या किया? डीएफएल इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी के जगह ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिखा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट का अमाउंट पता था आपको इंटरेस्ट का अमाउंट, आपको डीएफएल पता था. तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में एक ही चीज मिसिंग हो जाती है, वो है ईबीआईटी. इस लॉजिक से आपने तीनों कंपनीज का ईबीआईटी ढूंढ लिया. एक बार ईबीआईटी मिल गया, उसके बाद हमने क्या यूज किया? डीओएल. बराबर, सबसे पहले ईबीआईटी चेक कर लो अपने. थ्री कंपनीज, बेसिक इंफॉर्मेशन वी आर कैलकुलेटिंग, देन वील गो फॉर इनकम स्टेटमेंट. हम लोग मिसिंग वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट. सो यू विल यूज दिस फॉर्मूला. यू हैव थ्री एज डीएफएल फॉर कंपनी पी लिमिटेड, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस 200 का इंटरेस्ट. कैलकुलेट करने के बाद आपका ईबीआईटी कितना आता है? 300. सेकेंड कंपनी के लिए 400, लास्ट कंपनी का 2000. परफेक्ट. तो ये आपको ईबीआईटी मिल चुका है तीनों कंपनीज का. अब आप क्या यूज करेंगे? DOL यूज करोगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. DOL इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. यू नो बोथ द आइटम्स, आई मीन द DOL यू नो एंड यू नो द ईबीआईटी. यू कैन इजिली फाइंड योर कॉन्ट्रीब्यूशन. कॉन्ट्रीब्यूशन फर्स्ट केस इट कम्स टू 1500, सेकेंड केस 2400, द लास्ट केस 4000 रुपीज. आई एम श्योर सबको ये इजिली आ गया. अब क्या करोगे आगे? आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन रेडी है. वॉट इज एग्जैक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रेंड्स? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन. करेक्ट. सो सपोज सेल्स आर 100 फॉर कंपनी पी लिमिटेड, योर वेरिएबल एक्सपेंस इज 66 2/3. सो रिमेनिंग 33 1/3 शुड बी कॉन्ट्रीब्यूशन. कैन आई से एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन हमको पता है कितना है फर्स्ट केस में? 1500. और 1500 जो है वो 33 1/3% ऑफ सेल्स है ना. अगर 1500 को हमने 33 1/3% से डिवाइड किया तो आपको 100% मिल जाएगा ना. सो इस लॉजिक से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सेल्स को निकालने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन को डिवाइडेड बाय 33 1/3% फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में 25% एंड द लास्ट केस 50%, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल तीनों केस में अलग है. सो फर्स्ट सिनेरियो योर आंसर कम्स टू कितना? 4500. तो मैंने यहां पे क्या किया? सेल्स 100 अज्यूम कर लो, वेरिएबल एक्सपेंसेस ये रहेंगे और बचा हुआ कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा. 100 रुपए के लिए ये कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, 100 रुपए के लिए ये कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम लोग निकाल सकते हैं एक्चुअल सेल्स. एक्चुअल सेल्स कम्स टू 4500. आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, ऑब्वियसली आप क्या करोगे? डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई 33 1/3%. आपका आंसर 4500 आएगा. सेकेंड केस में कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई 25%, आपका आंसर 9600 आएगा. थर्ड सिनेरियो 8000 आंसर आता है. आया सबका आंसर? इसके बेसिस पे हम लोग इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं. हमारा इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए हमें सब वैल्यूज रेडी हो चुकी है. जो वैल्यू नहीं है वो हम लोग बैलेंसिंग फिगर भी रख सकते हैं. बराबर. सो इनकम स्टेटमेंट फॉर थ्री कंपनीज विल बी सेल्स, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट.
यू कैन कीप वेरिएबल कॉस्ट एज बैलेंसिंग फिगर और बिकॉज वी हैव कॉन्ट्रीब्यूशन रेडी विथ अस और यू कैन डायरेक्टली टेक द परसेंटेज ऑफ सेल्स विच दे हैव गिवन यू इन द क्वेश्चन. सो योर वेरिएबल एक्सपेंसेस कम्स टू दिस फिगर्स. देन माइनस फिक्स कॉस्ट दैट शुड बी बैलेंसिंग फिगर बिकॉज वी नो द ईबीआईटी. ईबीआईटी इज 300, 400 एंड 2000. सो अकॉर्डिंगली 1200 यहां पर 2000 और यहां पे 2000 विल बी योर फिक्स कॉस्ट. देन यू हैव इंटरेस्ट विच इज गिवन टू यू एंड ये लेस करके ईबीटी मिलेगा आपको. ये ईबीटी आ गया आपके. आपको टैक्स रेट दिया था आपका ईएटी आ जाएगा तीनों कंपनी का. आई एम श्योर आपके आंसर करेक्ट है. चलो अब सेल्स से लेके ईएटी तक का इंफॉर्मेशन रेडी है और तीनों कंपनी के लिवरेजेस भी रेडी है. व्हाट आई एम सेइंग सेल्स फ्रॉम सेल्स टिल ईएटी यू नो एवरीथिंग एंड यू हैव विथ यू द लिवरेजेस ऑफ दिस थ्री कंपनीज. बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपनी. एनीबडी यू थॉट अबाउट इट कि ये कमेंट क्या आएगा. एनीबडी हु कैन ट्राई कमेंट पार्ट. यस कंपनी पी में डीओएल एंड डीएफएल दोनों ज्यादा रहने की वजह से रिस्क ज्यादा है. ओके एंड व्हाट अबाउट द सेल्स एंड प्रॉफिट पार्ट. सेल्स सबसे कम है तीनों कंपनी के कंपैरिजन में. सबसे कम सेल्स है और प्रॉफिट भी सबसे कम है. तो इसका मतलब क्या हुआ विथ मिनिमम सेल्स मिनिमम प्रॉफिट दिस कंपनी इज हैविंग मैक्सिमम रिस्क. विल यू ऑप्ट फॉर दिस कंपनी. डू यू थिंक दिस कंपनी इज वर्थ इन्वेस्टिंग. ऑब्वियसली नॉट. कंपनी क्यू लिमिटेड की बात करेंगे तो सेम लॉजिक से हम लोग बोलेंगे लेवरेजेस. लेवरेजेस ज्यादा है मगर सेल्स हाईएस्ट है. आपने देखा क्या लेवरेजेस ज्यादा है सेल्स हाईएस्ट है मगर प्रॉफिट मिनिमम है. तो हाईएस्ट सेल्स मिनिमम प्रॉफिट एंड हाई लेवरेजेस. विल यू एक्सेप्ट दिस कंपनी. नो. कमिंग टू आर कंपनी यू हैव लोएस्ट लेवरेजेस मीन्स रिस्क इज लोएस्ट. द सेल्स आर मॉडरेट. मॉडरेट मतलब तीनों कंपनी के कंपैरिजन में वो मॉडरेट है. मॉडरेट इज रीजनेबल एंड प्रॉफिट इज मैक्सिमम. विल यू एक्सेप्ट दिस कंपनी. यस. सो वी नीड टू एक्चुअली फोकस ऑन थ्री आइटम्स फ्रेंड्स. पहला लेवरेजेस कैसे हाई लो उससे रिस्क समझता है. दूसरा सेल्स उससे रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी समझता है और तीसरा प्रॉफिट. ओके इन तीनों के बेसिस पे हम लोग कमेंट करते हैं कि वो कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. उस कंपनी को हम लोग वर्थ इन्वेस्टिंग मानेंगे या नहीं मानेंगे. ओके तो नीचे लिख दो कमेंट. सबसे पहले पी लिमिटेड के बारे में कमेंट करेंगे. एक्चुअली उनका लिवरेजेस तीनों कंपनी के कंपैरिजन में मॉडरेट आ रहा है. अगर आप देखोगे अच्छे से उसका लेवरेज इज नो डाउट हाई. 5 and 3 इज नॉट लेस बट इट इज लेस देन 6 and 4. इसलिए उसको हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों कंपनी के कंपैरिजन में मॉडरेट है वो लेवरेजेस. लिखो पी लिमिटेड इज हैविंग. पी लिमिटेड इज हैविंग मॉडरेट सेल्स वॉल्यूम. पी लिमिटेड इज हैविंग मॉडरेट सेल्स सॉरी लोएस्ट सेल्स वॉल्यूम. तीनों कंपनी के कंपैरिजन में सबसे कम सेल है. लोएस्ट सेल्स वॉल्यूम एंड इट इज हैविंग लोएस्ट प्रॉफिट्स. एंड इट इज हैविंग लोएस्ट प्रॉफिट्स. इट इज हैविंग लोएस्ट प्रॉफिट्स. दस द परफॉर्मेंस इज नॉट गुड. दस द परफॉर्मेंस इज नॉट गुड. Performance is not good. Full stop. Apart from this, it is having moderate DOL and DFL. Why I am writing moderate? Because वो कंपेरेटिवली मॉडरेट है. क्यू के कंपेरिजन में कम है और आर के कंपेरिजन में ज्यादा है. दस रिस्क इज ऑल्सो नॉट लेस.
Thus, risk is also not less. Go for Q Limited. क्या बोलोगे आप? Q Limited is having highest sales volume, but it is having lowest profits. लिखो. Q Limited is having highest sales volume, but it is having lowest profits. Thus, performance is not good. Full stop. Apart from this, it is having high DOL and DFL. Thus, risk is also very high. Now, what about this last company, R Limited? We will say it is having moderate sales volume and highest profits. R Limited is having moderate sales volume, and highest profits. Thus, performance is good. Full stop. Apart from this, it is having low DOL and DFL. Thus, the risk is also very low. So, friend, this was actually the comment part of question number 2. I hope you understand. You are mainly focusing on 3 items: sales, profits and leverages. Leverages se samajhta hai risk kitna hai, sales se samajhta hai ki revenue generating capacity kitna hai, profit se samajhta hai ultimate outcome kya hai. Okay, now coming to question number 3, that was also your homework, question number 3. And third question mein aapko unhone number of units diye the aur selling price diya tha. तो अगर नंबर ऑफ यूनिट्स दिए, सेलिंग प्राइस दिया है, तो आप लोग इजीली निकाल सकते हो आपका सेल्स आएगा 3 लाख यूनिट्स इनटू 3 रुपीज, विच कम्स टू 9 लाख. देन अकॉर्डिंगली सेकंड कंपनी के यूनिट्स इनटू यूनिट सेलिंग प्राइस एंड थर्ड कंपनी के यूनिट्स इनटू यूनिट सेलिंग प्राइस. फिर माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट. पर यूनिट दिया था, नंबर ऑफ यूनिट्स आपको पता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको. जैसे कि 1 रुपी इंटू 3 लाख विल बी 3 लाख रुपीज. वैसे बी कंपनी और सी कंपनी का आएगा इन्फॉर्मेशन. फिर कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी द बैलेंसिंग फिगर, माइनस करने के बाद सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. फिर फिक्स कॉस्ट की हद तक, ये फिक्स कॉस्ट का आइटम डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, 3,50,000, 7 लाख एंड 75,000. लेस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी कुछ भी बुलाओ उसको, इट कम्स टू 2,50,000, 6,12,500 एंड 1,25,000. दिस इज ईबीआईटी फिगर्स. Then you have interest amount directly given to you, 25,000, 40,000 and 0. And this way you get your EBT amount. Right? इन्होंने आपको leverages निकालने बोले थे. Computation of leverages. First item, operating leverage. Contribution upon EBIT. So first case, contribution is 6 lakhs, EBIT is 2,50,000. 6 lakhs divided by 2,50,000 comes to 2.4. Accordingly, ये दोनों company के भी आ जाएंगे.
हाँ, ये सब के आंसर करेक्ट। उसके बाद DFL का फॉर्मूला EBIT अपॉन EBT, दोनों फिगर्स रेडी है हमारे पास। 2,50,000 डिवाइडेड बाई 2,25,000, अकॉर्डिंगली बचे हुए दोनों कंपनी के फिगर्स को ले लो, आंसर आ जाएंगे। एंड तीसरा DCL, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT ले लो, आपका आंसर 2.67, 2.29 एंड 1.60 आता है। इन्होंने इसके बाद में भी आपको बोला इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। ऑफकोर्स रिजल्ट्स आपके सामने है, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक ही डिफरेंस रहेगा। पिछले क्वेश्चन में लिवरेजेस दिए थे रेडीमेड और आपने इनकम स्टेटमेंट बनाया था, इस क्वेश्चन में आपको इनकम स्टेटमेंट भी बनाना था और लिवरेजेस भी निकालने थे। आपके पास अल्टीमेट आउटकम तो दोनों क्वेश्चन का सेम ही आ गया। तो अब मुझे बताओ कंपनी तीनों का रेडी है आपके पास इन्फॉर्मेशन। ए लिमिटेड सेल्स वॉल्यूम कैसा है? मॉडरेट। प्रॉफिट्स कैसे? मॉडरेट। एंड लिवरेजेस कैसे? हाई लिवरेजेस है। तो कोई कंपनी आपको हाईएस्ट प्रॉफिट के साथ मॉडरेट सेल्स और मॉडरेट प्रॉफिट दे, हाईएस्ट लिवरेजेस के साथ, हाईएस्ट रिस्क के साथ मॉडरेट सेल्स वॉल्यूम मॉडरेट प्रॉफिट दे, तो ऐसी कंपनी आप एक्सेप्ट करोगे? नहीं ना। सेकेंड कंपनी बी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, हाईएस्ट सेल्स हाईएस्ट प्रॉफिट्स एंड लिवरेजेस आर मॉडरेट, कंपेरेटिवली मॉडरेट लिवरेजेस है, तो मॉडरेट रिस्क है, हाईएस्ट सेल्स है और हाईएस्ट प्रॉफिट है, विल दैट बी एक्सेप्टेबल? यस। लास्ट सिनेरियो सी लिमिटेड, सेल्स वॉल्यूम लोएस्ट, योर प्रॉफिट वॉल्यूम इज लोएस्ट एंड व्हाट अबाउट द लिवरेजेस? लोएस्ट, लोएस्ट रिस्क, लोएस्ट सेल्स एंड लोएस्ट प्रॉफिट्स, एक्सेप्टेबल है? नहीं ना, ऑफकोर्स, क्योंकि यू हैव टू टेक सम रिस्क इन द बिजनेस टू गेन मोर प्रॉफिट्स। सो सबसे अच्छा कंपनी तीनों में अगर बात करेंगे तो बी लिमिटेड आ जाएगा फिर। तो नीचे कमेंट पार्ट पे आते, किसका प्रॉफिट मार्जिन ऑफ सी लिमिटेड बहुत हाई है? यू आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल कॉस्ट बेसिस पे, ओके, ईबीटी बेसिस पे, ओवरऑल प्रॉफिट, व्हेन वी कंपेयर ओवरऑल प्रॉफिट। इसीलिए तुमने ऑब्जर्व किया रहेगा सी लिमिटेड का सेल्स सबसे कम है, तो जब आप प्रॉफिट मार्जिन हाई रखते हो तो आपका सेल्स कम हो जाता है ना, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सेल मोर यूनिट्स। इट्स लाइक रिटेलर हु इज अर्निंग पर यूनिट प्रॉफिट मोर बट इज नॉट मेकिंग मोर सेल्स। सो वेन योर प्रॉफिट मार्जिन आर हाई, यू आर नॉट दैट कॉम्पिटेटिव इन द मार्केट, देयरफॉर योर सेल्स वॉल्यूम इज लेस एंड योर प्रॉफिट ओवरऑल इज लेस। पर यूनिट प्रॉफिट अच्छा है पर ओवरऑल प्रॉफिट कम है, क्योंकि आप नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा नहीं बेच पा रहे हो, क्योंकि आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत हेवी रखा है आपने। सो कमेंट ऑन फाइनेंशियल पोजिशन एंड स्ट्रक्चर, या आप ऐसा लिख दो डायरेक्टली इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स फर्स्ट कंपनी, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। जो कंपनी ज्यादा रिस्क लेता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एग्रेसिव अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको? एग्रेसिव अप्रोच। कंपनी ए की हद तक हम बोल सकते हैं वो एग्रेसिव अप्रोच है, क्योंकि उनका लेवरेजेस तीनों में सबसे हाई है। हम बोलेंगे ए लिमिटेड हैज मॉडरेट सेल्स एंड प्रॉफिट्स, ए लिमिटेड हैज मॉडरेट सेल्स एंड प्रॉफिट्स, मॉडरेट सेल्स एंड प्रॉफिट्स, बट द कंपनी हैज हाईएस्ट रिस्क, कंपनी हैज हाईएस्ट रिस्क ड्यू टू हाई DOL एंड DFL, ड्यू टू हाई DOL एंड DFL, दैट इज अग्रेसिव अप्रोच, दैट इज अग्रेसिव अप्रोच। सेकेंड कंपनी बी लिमिटेड, बी लिमिटेड हैज हाईएस्ट सेल्स एंड प्रॉफिट्स,
बी लिमिटेड हैज हाईएस्ट सेल्स एंड प्रॉफिट्स, हाईएस्ट सेल्स एंड प्रॉफिट्स, वेयर एज, वेयर एज द कंपनी इज टेकिंग मॉडरेट रिस्क, द कंपनी इज टेकिंग मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट रिस्क एज द डीओएल एंड डीएफएल, एज द डीओएल एंड डीएफएल इज मॉडरेट, मॉडरेट मीन्स रीजनेबल, सो यू नो दैट ऑब्वियसली. थर्ड पार्ट, सी लिमिटेड, सी लिमिटेड हैज लोवेस्ट सेल्स, सी लिमिटेड हैज लोवेस्ट सेल्स एंड प्रॉफिट्स, वेयर एज, वेयर एज द कंपनी इज ऑल्सो टेकिंग, कंपनी इज ऑल्सो टेकिंग लोवेस्ट रिस्क, लोवेस्ट रिस्क एज द डीओएल एंड डीएफएल, एज द डीओएल एंड डीएफएल इज लोएस्ट, इज लोएस्ट. दिस कंपनी इज कंजर्वेटिव, इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव, ये एग्रेसिव से टोटली अपोजिट अप्रोच होता है, कंजर्वेटिव एंड कॉशियस. दिस कंपनी इज कंजर्वेटिव एंड कॉशियस इन इट्स रिस्क अप्रोच, इन इट्स रिस्क अप्रोच, कंजर्वेटिव एंड कॉशियस इन इट्स रिस्क अप्रोच. समझ गए? सो दिस वॉज एक्चुअली इंटरप्रिटेशन पार्ट. यू नीड टू फोकस ऑन थ्री आइटम्स एंड वी कैन इजिली डिसाइड. अब आपको लिवरेज में याद होगा कि हमने एक अजम्पशन किया था, देर आर नो प्रेफरेंस शेयर्स एंड देर फॉर वी आर नॉट सपोज टू पे प्रेफरेंस डिविडेंड, बट इन रियल लाइफ वी मे हैव प्रेफरेंस शेयर्स ऑल्सो. इन दैट सिनेरियो व्हाट विल हैपन, यू नीड टू पे प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस डिविडेंड हमारे इनकम स्टेटमेंट में कहां पे आता है, बिलो, बिलो द लाइन? नहीं, वो तो तुम्हारे इनकम स्टेटमेंट मतलब तुम एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चले गए. मैं आपको इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आफ्टर ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद आएगा. मतलब अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट विल गिव यू ईबीआईटी. ये वाला पार्ट चेंज होता है क्या? इस पार्ट में कोई बदलाव नहीं है. ये कौन सा पार्ट होता है हमारा? ऑपरेटिंग पार्ट होता है. ये ऑपरेटिंग पार्ट में कोई चेंज नहीं रहने की वजह से दोस्तों, इसका मतलब ऑपरेटिंग पार्ट में अगर कोई चेंज नहीं है तो ड्यूएल में भी कोई चेंज नहीं आएगा. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में कोई चेंज आने का सवाल ही नहीं है ना. अगर प्रेफरेंस डिविडेंड से मेरे ऑपरेटिंग पार्ट में कोई चेंज नहीं है तो मेरे ड्यूएल क्यों चेंज होगा? So due to presence of preference dividend, there won't be any change in DOL, neither the formula nor the answer. क्या बोला समझा? ना formula change होगा ना answer change होगा, क्योंकि operating part का और preference dividend का कोई संबंध ही नहीं है. Preference dividend is dash item, financial item. You have taken finance, therefore you are paying preference dividend. You are not paying preference dividend for operation. You are paying preference dividend for finance. So इसलिए ये वाला part same रहेगा, इसके फॉर्मूले सेम रहेंगे और इसका आंसर भी सेम रहेगा. एक क्वेश्चन जिसमें प्रेफरेंस शेयर है, सेम फिगर्स वाला दूसरा क्वेश्चन जिसमें प्रेफरेंस शेयर नहीं है, दोनों का ड्यूएल सेम है, दोनों का ड्यूएल सेम है. ओके, नाउ ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, अब मिलेगा ईबीटी. इधर ही क्यों नहीं लेस कर दिया था आपने प्रेफरेंस डिविडेंड? बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंट इज बिलो लाइन आइटम, इट्स नॉट पी एन एल डेबिट आइटम, इट्स पी एन एल अप्रोप्रिएशन आइटम. तो एक्चुअली पहले आप निकालते हो नेट प्रॉफिट, उस पर भर दोगे टैक्स, फिर बाद में पे करोगे प्रेफरेंस डिविडेंट. बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंट इज पेड टू शेयर होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स आर नॉट आउटसाइडर्स, दे आर द ओनर्स.
आर यू अंडरस्टैंडिंग? दो दे डोंट हैव वोटिंग पावर लाइक इक्विटी शेयर, बट दे हैव नॉट गिवन यू डेट, दे हैव नॉट गिवन यू लोन, दे हैव गिवन यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. व्हेन आई से शेयर कैपिटल, इट इज ओनर्स फंड्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वॉट एवर यू पे टू ओनर्स cannot be your expense. It has to be your appropriation of profit. Are you getting my point? समझ जाएगा सबको? तो EBT आएगा, EBT के बाद भरना पड़ेगा tax, और फिर आएगा EAT. अब आप pay करोगे preference dividend. Can you call this EAT as NI? When do you call the income as NI? When it belongs to equity shareholders. So of course EAT is not NI in this case. जबकि पहले वाले statement में हमने इसी को NI बोला था, EAT को. अब NI नहीं है वो. अब आपको preference dividend देना पड़ेगा और फिर मिलेगा आपको आपका net income. बराबर? And now based on that you can calculate your EPS. EPS is nothing but this NI divided by number of equity shares. Correct? और EBIT से लेकर EPS तक केस पार्ट को हम बोलेंगे फाइनेंशियल पार्ट. फाइनेंशियल पार्ट में चेंज हुआ क्या? यस. तो फाइनेंशियल लेवरेज में चेंज होगा क्या? यस, देयर विल बी अ चेंज. नाउ हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि क्या करना पड़ेगा? देखो, हम EBIT चेंज करेंगे फ्रीली, उसकी वजह से डिपेंडेंटली चेंज होगा EPS. इस बार एक नहीं दो रीजन की वजह से. पिछली बार जो रीजन हमने बोला था वो था इंटरेस्ट, जिसको हमने बॉक्स में डाला था. जैसे इंटरेस्ट को आपने बॉक्स में डाला, क्यों डाला मालूम है आपको? क्योंकि इंटरेस्ट वाज अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस. इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रॉफिट यू हैव टू पे इंटरेस्ट फिक्स्ड रेट से. तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट जैसा हो गया, वो फाइनेंस का फिक्स कॉस्ट है मगर वो ऑपरेशन का फिक्स कॉस्ट नहीं है. ओके, वैसे ही सेम तरीके से आपको प्रेफरेंस डिविडेंड को भी बॉक्स में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये भी फिक्स कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि ये भी इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट पे किया जाता है, बिकॉज इसका भी रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड है. तो अगर ये फिक्स्ड है तो फिर ये भी बॉक्स में आएगा. अब आपका जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो डिस्कस करते हैं. परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईपीएस. डू यू थिंक दिस फॉर्मूला विल चेंज? नो, this formula will not change. Your answer will change. Why this formula will not change? Percentage change in EPS upon, sorry, I told ulta na gaya abhi. Percentage change in kya bolna padega? EPS upon percentage change in EBIT. theek hai, ye formula kyun nahi change hoga? Kyunki aapne directly end point aur start point ko compare kiya hai, uske beech aap jo bhi items dal rahe ho uska impact is formula mein automatically aa raha hai na. Socho ye formula kya bola apne, percentage change in EPS, which is dependent variable, divided by percentage change in, क्या बोल रहा हूं मैं, EBIT. अब मुझे बोलो preference dividend हो या interest हो, जो भी हो वो तो EBIT से EPS के बीच में आ गया. इसका मतलब कहने से EPS में इनका impact already consider हो चुका है, तो आपको formula change करने की जरूरत नहीं है. आपका DFL का ये formula same रहेगा. आपके preference shares की वजह से answer change हो जाएगा automatically. कंपनी का सेम डेटा, दो कंपनी का, एक में प्रेफरेंस शेयर्स है दूसरे में नहीं है. अगर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है डीएफएल का, तो आपको फॉर्मूला बदलने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, क्योंकि आपका ईपीएस बदल जाएगा ना. आर यू गेटिंग? नाउ दैट मींस डीएफएल का ये फॉर्मूला नहीं बदलेगा, आंसर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, बिकॉज हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एंड पॉइंट एंड स्टार्ट पॉइंट, उसके बीच जो भी आइटम्स आ रहे हैं उसका इंपैक्ट कंसिडर हो रहा है, फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट फॉर्मूला? डीएफएल का नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी था. अगर दो मिनट के लिए सोचे, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी की जगह ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिखा तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं. अभी तक फॉर्मूला सेम ही है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज किया मैंने जानबूझ के, ताकि आपको समझे कि हम क्या कर रहे हैं. ईबीआईटी अपॉन ईबीटी की जगह ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट किया. माइनस इंटरेस्ट क्यों किया? बिकॉज इंटरेस्ट इज अ फिक्स कॉस्ट. जैसे इंटरेस्ट इज अ फिक्स कॉस्ट, वैसे प्रेफरेंस डिविडेंड इज ऑल्सो अ फिक्स कॉस्ट. सो जैसे इंटरेस्ट को माइनस किया, वैसे पीडी को भी माइनस करना पड़ेगा, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड. बट
एक प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट इज एक्सपेंस पीएनएल आइटम, प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस पीएनएल अप्रोप्रिएशन आइटम। पहले भरना पड़ेगा टैक्स, फिर पे करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड। तो कहना है इसे टैक्स रेट अगर 35% है तो प्रेफरेंस डिविडेंड को पे करने के लिए जो इनकम अवेलेबल है वो 65% ही है, करेक्ट है ना। तो अपने को एक्चुअली प्रेफरेंस डिविडेंड वाला अमाउंट 65% नहीं कमाना पड़ेगा, 100% अमाउंट कमाना पड़ेगा, जिसमें से 35% गवर्नमेंट को जाएगा और बचा हुआ 65% प्रेफरेंस शेयर्स को बिलोंग करेगा। आई टेल यू विथ एग्जांपल यू विल अंडरस्टैंड। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड 10 रुपए है तो योर कमिटमेंट टू अर्न, योर कमिटमेंट टू पे इज नॉट 10। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड 10 रुपए है तो आप 10 रुपए इनकम अर्न करोगे तो चलेगा क्या? नहीं ना, गवर्नमेंट इसमें से 35% ले लेगा, 3.5 गवर्नमेंट को चले जाएगा, यू आर लेफ्ट विथ ओनली 6.5, जबकि आपका प्रेफरेंस डिविडेंड का कमिटमेंट कितना था? 10। तो वी नीड टू कैलकुलेट एक्चुअली प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स। क्या निकालना है आपको? प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स निकालना है, ताकि टैक्स गवर्नमेंट को जाए और उसके बाद बचा हुआ प्रेफरेंस शेयर्स को बिलोंग करे। व्हेन यू से दैट योर कमिटमेंट इज 10 रुपीज ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, सो एक्चुअली यू हैव टू अर्न मोर देन दैट, सो दैट गवर्नमेंट को टैक्स जाने के बाद उतना बचना चाहिए आपके पास। सो लुक एट सी, 10 रुपए का अगर आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है और वो 65% है, तो उसको डिवाइडेड बाय 65% करने से कितना आता है? 15.38। व्हाट इज 15.38? प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स। अब एक काम करो, इस पे 35% टैक्स चार्ज करो, इनटू 35% 5.38 लेस इज इक्वल टू 10। कुछ समझा हमने क्या किया? अभी हमने प्रेफरेंस डिविडेंड को पहले बिफोर टैक्स ले गए और बोला कि कमिटमेंट 10 का नहीं है, कमिटमेंट 15.38 का है, क्योंकि 10 रुपए अगर कमिटमेंट मान लोगे और 10 ही रुपए कमाओगे तो चलेगा क्या? नहीं, आपको 15.38 कमाना पड़ेगा, जिसमें से आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा 35%, मतलब 5.38, और फिर बचा हुआ 10 रुपए आप पे कर सकते हो प्रेफरेंस डिविडेंड। सो एक्चुअली प्रेफरेंस डिविडेंड को क्या करना पड़ेगा, जो आपने कैलसी पे अभी किया वो करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1 - t करना पड़ेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 - t करने से क्या होता है? वो बिफोर टैक्स हो जाता है। रिमेंबर, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 - t इज बिफोर टैक्स, एनीथिंग इनटू 1 - t इज आफ्टर टैक्स। कोई भी चीज इनटू 1 - tax कर दो वो आफ्टर टैक्स बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 - tax कर दो वो बिफोर टैक्स हो जाएगा। इस क्वेश्चन में, इस पूरे फॉर्मूले में, एक्चुअली आपके एग्जाम्पल में हम लोगों ने कुछ भी मैजिकल नहीं किया, हमने क्या किया, 10 रुपए जो है वो आफ्टर टैक्स पे होता है, इसलिए मैंने उसको 65% से डिवाइड करके बिफोर टैक्स 100% निकाला है। आर यू गेटिंग? सो ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स के पहले इंटरेस्ट पे होता है, इट्स लाइक डेट होल्डर का एक्सपेंस है, वो अपने लिए पेमेंट जो है डेट होल्डर को जाएगा वो अपने लिए एक्सपेंस है। तो हमें अगर फॉर एग्जांपल 10 रुपीज का इंटरेस्ट पे करना है तो हमें 10 रुपीज ही पे करना है, रादर उसकी वजह से तो टैक्स बचता है इंटरेस्ट की वजह से। सो इसलिए 10 रुपए का कमिटमेंट रहेगा तो वो 10 का ही है, बट प्रेफरेंस डिविडेंड अगर 10 का कमिटमेंट दिख रहा है तो वो 10 का नहीं है, 10 से ज्यादा का है। सो देयरफॉर वी आर मेकिंग इट बिफोर टैक्स, एंड फॉर मेकिंग इट बिफोर टैक्स वी आर डिवाइडिंग इट विथ 1 - tax। This formula will be used for DFL when you have preference shares. Compulsorily, this is formula we have to use when we have preference shares. If there are no preference shares, we can use the formula EBIT upon EBT. Correct? Everybody? So DFL ka ye formula aa gaya. What about DCL? Change hoga? DFL अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब DCL भी चेंज होगा ना, क्योंकि DCL इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑपरेटिंग एज वेल एज फाइनेंशियल। चलो DCL का पहला फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। पक्का ये फॉर्मूला चेंज होगा क्या? DCL का होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है,
इसके बीच आप जितने भी आइटम डाल दो उसका इंपैक्ट ईपीएस में आ जाएगा और उसकी वजह से आंसर चेंज हो जाएगा, आपको फॉर्मूला बदलने की जरूरत नहीं है। व्हाट अबाउट द सेकंड फॉर्मूला? सेकंड फॉर्मूला इज डीओएल इनटू डीएफएल। ये फॉर्मूला बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, क्योंकि आपका डीएफएल ऑटोमेटिकली बदल जाएगा ना, आपको फॉर्मूला बदलने की क्या जरूरत है, आपको डीएफएल चेंज मिल जाएगा, डीएफएल अलग मिल जाएगा अगर प्रेफरेंस यूनिट है तो, एंड ऑटोमेटिकली आपका आंसर डीसीएल का चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला बदलने की जरूरत नहीं है। बट द थर्ड वन, डीसीएल इज इक्वल टू क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी था, याद है? ऊपर इसका भी तो डिनोमिनेटर ईबीटी था, जिसको हमने क्या बनाया, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी अपॉन वन माइनस टैक्स। सेम ईबीआई, ये मतलब ईबीटी की जगह जैसे इसको चेंज किया वैसे ही सेम चेंज इसको भी करना पड़ेगा। अच्छा मुझे बोलो, ईबीटी की जगह कैन आई राइट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट? यस और नो? यस, बिकॉज देर आर प्रेफरेंशियस, नाउ आई विल डिडक्ट पीडी अपॉन वन माइनस टैक्स। वॉट इज दैट? प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स। क्या बोलने का इसको? प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स। आगे फॉर्मूले, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डीसीएल। इसका मतलब डीसीएल का सिर्फ ये फॉर्मूला चेंज होता है, इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी वी हैव टू राइट दिस फॉर्मूला। बट वो फॉर्मूला कब चेंज होगा? जब क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है। अंडरस्टूड? लिखो, हेडिंग दो, इफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज गिवन इन द क्वेश्चन, if preference dividend is given in the question, DOL no change, DOL no change, फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट डीएफएल, डीएफएल अब इसके अंदर नंबर वन पहला फॉर्मूला, डीएफएल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। इसका मतलब फॉर्मूला इज सेम बट आंसर विल चेंज, करेक्ट? लिखना है तो ब्रैकेट में लिख दो, फॉर्मूला इज सेम, आंसर विल चेंज, फॉर्मूला इज सेम, आंसर विल चेंज। और आंसर क्यों चेंज होगा सर? क्योंकि आपने प्रेफरेंस डिविडेंड डाल दिया तो ईपीएस चेंज हो जाएगा ना, तो उससे आंसर चेंज हो जाएगा। सेकंड, डीएफएल इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय वन माइनस टैक्स। So it's only preference dividend divided by 1 minus tax. Maths ke dushmano, pura divide mat kar dena usko. The denominator is not whole divided by, it's only PD divided by 1 minus tax. We are making it before tax. Okay? So are we changing the formula? Yes. And will the answer change? Of course, yes. Preference shares ke wajah se formula is also changed, answer will also change. Go for the third one. DCL. DCL, number one, DCL is equal to, बोलो formula, percentage change in
ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फॉर्मूला चेंज किया क्या? नहीं। आंसर चेंज होगा क्या? यस। नीचे सेकेंड फॉर्मूला, डीसीएल इज इक्वल टू डीओएल इनटू डीएफएल। फॉर्मूला चेंज हुआ क्या? नहीं। मगर आंसर चेंज, यस। तो दोनों को ब्रैकेट करके आप ऐसे लिख सकते हो कि फॉर्मूला सेम बट आंसर विल चेंज, फॉर्मूला सेम बट आंसर विल चेंज। इज दैट ओके एवरीबॉडी? कंफर्टेबल? आगे लास्ट पार्ट, DCL is equal to contribution divided by, क्या था originally? EBT। ऊपर जो EBT के लिए चेंज किया, नीचे भी वही चेंज करना पड़ेगा। EBT के जगह EBIT माइनस इंटरेस्ट, और Q की प्रेफरेंस डिविडेंड भी है इसलिए माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। इट इज प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स। फॉर्मूला चेंज, आंसर विल आल्सो चेंज। फॉर्मूला चेंज एंड आंसर विल आल्सो चेंज। समझ गए? अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन डील किया था, आपको याद होगा। तो वो क्वेश्चन था वेदर द डीओएल शुड बी हाई और लो प्रेफर्ड, टीओएल। और आपने बोला इट शुड बी लो प्रेफर्ड बिकॉज इफ टीओएल इज हाई। उल्टा सोच के देखते हैं, इफ डीओएल इज हाई इट मीन्स द फिक्स कॉस्ट इज हाई, द टोटल कॉस्ट विल बी हाई, द ब्रेक इवन पॉइंट विल बी एट अ हायर लेवल एंड योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी लेस, मीन्स द रिस्क विल बी हाई, टू हाई। तो इसलिए हमने अपने को ऐसा नहीं करना है, देयर शुड बी सफिशियंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, व्हाट अबाउट डीएफएल फ्रेंड्स? क्वेश्चन इज वेदर द डीएफएल ऑफ द फर्म इज हाई प्रेफर्ड और लो प्रेफर्ड। डीएफएल हाई प्रेफर्ड होता है या लो प्रेफर्ड होता है? याद तो कुछ आ रहा नहीं होगा आपको, क्या पढ़ा था? याद है? कुछ याद आ रहा है? फेवरेबल डीएफएल वो क्या रहता है? ऐसे कुछ तो भी याद आ रहा है ना? तुम बोल रहे हो, सोच के बोलो ना। देखो अभी तुमने क्या बोला, वो डीएफएल हाई होना चाहिए अगर वो फेवरेबल है तो। यहां तक करेक्ट हो तुम, बिल्कुल करेक्ट हो। फेवरेबल कब होता है? इंटरेस्ट का कॉस्ट कम हो किससे, मगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूं। लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज मींस वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। फिक्स कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में, दो मिनट के लिए प्रेफरेंशियल्स को साइड में रख दो, अपन लोग सिर्फ डेट की बात करते हैं। डेट के साथ जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं वो फिक्स रेट से पे करते हैं, ठीक है? सपोज मान लेते हैं, दो मिनट के लिए, ये लोग मेरे राइट हैंड साइड वाले डेट होल्डर्स हैं, इन्होंने मेरी कंपनी को पैसा दिया है मान लो 11% से। ओके, अब मैं इनके पैसों को मतलब कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। नाउ आई विल इन्वेस्ट दैट, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड शुड गिव मी रिटर्न्स मोर देन देयर कॉस्ट। सो आई शुड कंपेयर द इंटरेस्ट रेट with the return on investment. I should not compare my interest rate with WACC. मतलब cost of capital से compare मत करो उसको, किससे compare करो? Return on investment से compare करो। And अगर we are earning more and we are paying them less, तो ऐसे scenario में इनसे जितना पैसा लेंगे उतना हमारा profit बढ़ेगा। और जैसे उल्टा सोचते दो मिनट के लिए कि इनका interest rate high है और मेरा return on investment कम है, तो ऐसे सिनेरियो में इनसे जितना कम पैसा लेंगे उतना अपने लिए अच्छा है।
सो एक्चुअली डीएफएल इज फेवरेबल और अनफेवरेबल, दैट डिपेंड्स ऑन टू एलिमेंट्स, नंबर वन इंटरेस्ट रेट, नंबर टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. सब ऐसे अचानक से क्लिक हो रहे धीरे धीरे तुमको शायद, है ना, ऐसा कुछ तो भी था. हाँ हाँ ये था ऐसा. सो बेसिकली ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है कि आप लोग आपके इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा कमा रहे हो और आप डेट होल्डर को कम पे कर रहे हो कॉस्ट के तौर पे. तो ऐसे सिनेरियो में आप डेट होल्डर वालों से 1 करोड़ के जगह अगर 2 करोड़ लोगे, 5 करोड़ लोगे, इट्स फाइन एज फार एज योर रिटर्न्स आर मोर एंड योर इंटरेस्ट कॉस्ट इज लेस. तो आप इनसे जितना ज्यादा क्वांटम से डेट लोगे उतना अच्छा रहेगा. तो इस सिनेरियो को बोलते हैं डीएफएल फेवरेबल, वेर आई एम अर्निंग मोर एंड आई एम पेइंग देम लेस. डीएफएल फेवरेबल. एंड डीएफएल जब फेवरेबल होता है तब तुम डीएफएल को कैसा रखना चाहिए? हाई रखना चाहिए. मगर डीएफएल अनफेवरेबल भी हो सकता है, मीन्स आई एम अर्निंग लेस आई एम पेइंग देम मोर. ऐसे सिनेरियो में डीएफएल अनफेवरेबल होता है, डीएफएल को क्या करना चाहिए? कम रखना चाहिए. तो इस क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं मिलेगा आपको जैसे आपने लास्ट टाइम डीओएल के लिए लिखा. अब तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा? डीएफएल शुड बी हाई और लो प्रेफर्ड, दैट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, नंबर वन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नंबर टू कॉस्ट ऑफ डेट. समझे? लिखो क्वेश्चन, लिखो पहले वेदर द डीएफएल ऑफ द फर्म, वेदर द डीएफएल ऑफ द फर्म, DFL of the firm DFL of the firm is high or low preferred, is high or low preferred question mark. नीचे लिखो it depends on two factors, number one return on investment, symbolically इसको क्या बोलते हैं? ROI, return on investment, and number two cost of debt, इसको symbolically क्या बोलते हैं? KD, cost of debt is KD. नीचे लिखो, शॉर्टकट में बोलता हूं मैं आपको कौन सा एग्जाम में आने वाला ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये तो अपन लोग नॉलेज के लिए पढ़ रहे सिर्फ. DFL dash favorable, नीचे लिखो DFL dash favorable if, बोलिए, ROI is greater than cost of debt. DFL फेवरेबल होता है अगर ROI ज्यादा है और रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट कम है. कॉमा, इन दिस सिचुएशन DFL इज डैश प्रेफर्ड. इन दिस सिचुएशन DFL इज डैश प्रेफर्ड. DFL इज हाई प्रेफर्ड. एंड वाइस वर्सा लिख देंगे. एंड वाइस वर्सा. बाय द वे DFL जब फेवरेबल होता है इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोला जाता है इसको. इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जो फायदा होगा वो फ्लो होगा किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को. ROE बढ़ेगा इसकी वजह से, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. क्योंकि हम ज्यादा कमाएंगे, फिक्स रेट से डेट होल्डर को पे करेंगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट विल बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. रेसिडियरी पूरा इनकम किसको बिलोंग करता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को. व्हाट इज रेसिडियरी इनकम? सबको पे करने के बाद जो बचता है, जिसको हम लोग बार बार क्या बुला रहे हैं? एनआई बुला रहे हैं. ओके, डन विद दिस. ओके, चलो. सो वी आर एक्चुअली डन विद लिवरेज पार्ट.
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सा क्वेश्चन बाकी है अभी? सेवेंथ वन सॉल्व किया आपने? नहीं किया, चलो अभी कर लो फिर, कोई बात नहीं, आई विल गिव यू टाइम। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है उसमें, सेवेंथ क्वेश्चन का पार्ट वन पार्ट टू है। पार्ट वन तो बहुत ही आसान है, फाइंड द ऑपरेटिंग लेवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यू हैव सेल्स, यू हैव वेरिएबल कॉस्ट 60% बोला है, तो ऑब्वियसली सेल्स का 60% लोगे वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, बचा हुआ 40% आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, एंड उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ईबीआईटी मिलेगा। और इन्होंने ऊपर क्या पूछा आपको? फाइंड द ऑपरेटिंग लेवरेज। स्टार्ट आपको लिखना पड़ेगा पहले प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, फर्स्ट पार्ट। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स राइट हैंड कॉर्नर अमाउंट रुपीस, यू विल रिक्वायर हार्डली फ्यू लाइन्स फॉर दिस। सेल्स कितना है? सेल्स 50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट कितना परसेंट? 60 है क्या? एट द रेट 60%, 60% ऑफ 50,000 कम्स टू 30,000 एंड रिमेनिंग 20,000 विल बी कॉन्ट्रीब्यूशन। माइनस करोगे आप फिक्स कॉस्ट इंटू ब्रैकेट गिवन एंड दैट इज 12,000, सो रिमेनिंग कम्स टू 8,000 एंड दिस इज कॉल्ड एज ईबीआईटी। फाइन, यूज द फॉर्मूला। DOL is equal to contribution upon EBIT, which is nothing but 20,000 divided by 8,000, so 20 by 8 करना है आपको, कितना आता है? 2.5 times। What is the interpretation of 2.5 times DCA? DOL 2.5 times. If we change our sales by 1%, EBIT will change by 2.5%. याद आया ना? Okay. अब अगला पार्ट, पार्ट वन और पार्ट टू का कोई संबंध नहीं है, पार्ट वन आपने यहां पे एंड कर दिया है। पार्ट टू में बोला है फाइंड द फाइनेंशियल लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नेटवर्थ 25 lakhs, यू नो नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इज नेटवर्थ। दिस इज बैलेंस शीट, सपोज दिस इज फिक्स एसेट्स, दिस इज करंट एसेट्स, करेक्ट? दिस इज टोटल एसेट्स, दिस टोटल एसेट्स माइनस LTL, पहले सॉरी नीचे ले लेते CL, करंट लाइबिलिटीज माइनस होगा LTL, ये माइनस होगा क्या? यस। अब जो बचेगा ना, इसे हम बुलाते हैं नेटवर्थ। आर यू गेटिंग? नेटवर्थ एंड इट इज नथिंग बट शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, दिस इज नेटवर्थ। नाउ दे आर सेइंग हियर नेटवर्थ इज 25 lakhs, डेट अपॉन इक्विटी इज 3:1। कैन यू फाइंड द नेटवर्थ की वजह से डेट का अमाउंट? क्योंकि डेट अपॉन इक्विटी इज 3:1 एंड नेटवर्थ इज 25 लाख, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हुआ?
अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है ऐसा अज्यूम करता हूं, देर आर नो प्रेफरेंस शेयर्स, सो माई इक्विटी, यू नो इक्विटी, इक्विटी इज नॉट इक्विटी शेयर कैपिटल, इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. सो इफ आई अज्यूम देर आर नो प्रेफरेंस शेयर्स, देन माई नेटवर्थ विल हैव हाउ मेनी आइटम्स, ओनली टू आइटम्स, विच आर द टू आइटम्स, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस नेटवर्थ, because there are no preference shares. And equity will also have two items, na? Equity share capital, reserves and surplus. Iska matlab my net worth and equity will be same. Agar main assume kar leta hu ki net worth mein preference shares nahi hai, to mera net worth aur equity dono same rahega, kyunki share capital do type ke hai, equity share capital hai aur preference share capital hai. If I am assuming there are no preference share capital, that means there are only two items in net worth, equity share capital and reserves and surplus, which is nothing but equity. So my net worth is equal to equity and equity amount is 25 lakhs. Uska 3 times debt ka amount hai. Matlab debt ka amount will be 75 lakhs. Niche bola hai interest rate 12%. To aap debt amount ko into 12% karke kya nikal loge? Interest and operating profit matlab 20 lakh ka amount aapko diya hai. Ab aap kya karoge? EBIT diya hai. Interest aap abhi nikal chuke ho mere sath. EBT मिल जाएगा और EBIT अपॉन EBT विल गिव यू फाइनेंशियल लेवरेज. समझे क्या? चलो लिखते हैं. इफ वी अज्यूम देर आर नो प्रेफरेंस शेयर्स, इफ वी अज्यूम देर आर नो प्रेफरेंस शेयर्स कॉमा dash will be equal to dash, net worth will be equal to equity. If we assume there are no preference shares, comma, net worth is equal to equity, is equal to kitna amount? Net worth is equal to equity is equal to kitna amount? 25 lakhs. Net worth is equal to equity is equal to 25 lakhs. Niche likho, therefore, using debt equity ratio of 3 times, using debt equity ratio of 3 times, comma, debt is equal to 25 lakhs into 3. बराबर क्या? क्योंकि आपका इक्विटी 25 lakhs है, into 3 करेंगे तो debt आ जाएगा आपका 75 lakhs. Debt is equal to 25 lakhs into 3 which is equal to 75 lakhs. बस that's it. इधर तक ही लिखो. अब नीचे लिख दो इनकम स्टेटमेंट. 3 लाइन का इनकम स्टेटमेंट रहेगा. Particulars, amount rupees, operating profit or EBIT, कितना given है? 20 lakhs. 20 lakhs less interest, and now interest calculation you can show directly here. Aapka debt amount kitna aaya tha? 75 lakhs into rate kitna diya hai? 12%. So interest amount comes to 9 lakhs and therefore 11 lakhs will be your EBT. 11 lakhs will be your EBT. Your EBT amount comes to 11 lakhs. And you can directly use the formula. DFL is equal to EBIT upon EBT. DFL is equal to ₹20 lakhs / ₹11 lakhs. Kitna tha? 1.5
82 टाइम्स, 1.82 टाइम्स डीएफएल। कमलेश, 1.82 टाइम्स डीएफएल मींस व्हाट? फॉर एवरी 1% चेंज इन ईबीआईटी आवर ईपीएस विल चेंज बाय 1.82%। करेक्ट है क्या? यस। सो दिस इज व्हाट इज लिवरेज बेसिकली। वी हैव सीन एवरीथिंग आउट ऑफ इट, वॉट एवर इज रेलेवेंट वी हैव सीन दैट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट यूनिट पे आ जाते हैं। वी नीड टू कम टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, यू नो कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। मिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस मतलब डेट इक्विटी का कॉम्बिनेशन, इसको हम बुलाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर द फर्म बिकॉज बेस्ड ऑन दैट योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल ऑल्सो चेंज। इट मे चेंज, इट मे नॉट चेंज, दैट डिपेंड्स ऑन विच थ्योरी वी आर स्टडिंग। रिमेंबर, अगर आपको याद होगा तो कैपिटल स्ट्रक्चर में आपने चार थ्योरीज पढ़े थे, एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, एमएम अप्रोच। कौन से थे? एनओआई, एनआई, ट्रेडिशनल एंड एमएम अप्रोच। ओके, तो इसके बारे में हम थोड़े बाद में बात करेंगे। इसके बेसिस पे दो थ्योरीज ऐसे कैटेगरी में आते हैं जो बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट बैंक, और इनमें से दो थ्योरीज बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स बैक। जो बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स बैक, उसमें थ्योरी नंबर वन एनआई एंड थ्योरी नंबर टू ट्रेडिशनल अप्रोच। जो बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट बैक, उसमें थ्योरी नंबर वन एनओआई, थ्योरी नंबर टू एमएम अप्रोच। लिख लेते एक बार, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स, हेडिंग दे दो कैपिटल स्ट्रक्चर और नीचे लिखो इट मीन्स। कैपिटल स्ट्रक्चर और उसके नीचे लिखो इट मींस। इट मींस मिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ, मिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, मिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस इन द बिजनेस। Mix or combination of long-term sources of finance in the business. उसके नीचे लिखेंगे आप capital structure theories. Tree diagram type लिखना है आपको, तो बीच में heading दे दो capital structure theories. Capital structure theories दो टाइप के हैं, दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं उसको। ऐसा लिखो कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स बैक। बाय द वे वैक, पता है ना वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंबॉलिकली KO, overall cost of capital, याद आ रहा है? So capital structure affects WACC, इसमें first theory, net income approach, net income approach जिसको हम NI approach बोलते थे। second theory, traditional approach, ट्रेडिशनल अप्रोच,
राइट हैंड साइड कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट वैक, कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट वैक, इसमें फर्स्ट थ्योरी एनओआई अप्रोच. व्हाट इज एनओआई? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एनओआई. सेकंड एमएम अप्रोच, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच. सी ये फाइनल में भी आएगा, ये मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच. डन. अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की. तो आपको एक मेरे साथ बड़ा चार्ट बनाना है जिसमें हम लोग सभी टाइप के कैपिटल के हम लोग कॉस्ट के फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो आप हेडिंग दे दो कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कितने टाइप के कैपिटल है जिनका हम कॉस्ट स्टडी करेंगे? तीन. पहला डेट, केडी बोलते हैं आप इसको. दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट जिसको केपी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. एंड तीसरा इक्विटी, इसको केई बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डेट. कॉस्ट ऑफ डेट सिंबॉलिकली इसको केडी बोलेंगे. अब ये जो भी फॉर्मूलेज आप पढ़ोगे ये सब सीए फाइनल में यूज में आएंगे, इसलिए इसको हम लोग यूज करने वाले, तो आप ध्यान दोगे. कॉस्ट ऑफ डेट, इसमें कितने टाइप के डेट है? दो. पहला इररिडीमेबल ले लेते हैं, इररिडीमेबल डेट. व्हाट इज इररिडीमेबल डेट? जो डेट हमने रिडीम नहीं करना है, मतलब फॉर एवर यूज करना है, परपेचुअल डेट बोलते हैं इसे. तो ये डेट की बात कर रहे हैं हम लोग, परपेचुअल डेट. परपेचुअल डेट प्रिंसिपल अमाउंट इज नेवर रिपेड, वी ओनली पे इंटरेस्ट ऑन इट, बट द इंटरेस्ट रेट इज नॉर्मली हायर देन द नॉर्मल लोन. जो रिडीमेबल लोन होता है उससे ज्यादा रेट से ये इंटरेस्ट पे किया जाता है, इसको बोला जाता है इररिडीमेबल डेट. इसका फॉर्मूला क्या है? KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100. ध्यान दो, पहले समझ दो फिर लिखना अच्छे से. एंड एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि आपकी तरफ से हर फॉर्मूला करेक्ट आए, बट आप कोशिश कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है. देखो ध्यान दो, I इंटू वन माइनस टी, वॉट इज दिस? इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स शील्ड, बिकॉज इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, इट इज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट. इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको आफ्टर टैक्स शील्ड कंसिडर कर रहे हैं. आपको याद है ना ये सब कंसेप्ट? जब आप पीएनएल डेबिट में इंटरेस्ट लिखते हो तो उससे नेट प्रॉफिट कम होता है और उससे आने वाला टैक्स भी कम आता है. तो हम बना रहे उसको इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स शील्ड, एंड देन दैट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड बोल रहे अपन लोग. व्हाट इज नेट प्रोसीड? डेट बेचकर कंपनी को जो नेट अमाउंट जेब में मिल रहा है उसको बोलते हैं नेट प्रोसीड. फॉर एग्जांपल डिबेंचर है जिसका फेस वैल्यू 100 है, उसको आपने 2% डिस्काउंट पे इश्यू किया, और सपोज ₹2 लग गया आपका डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसेस. तो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी के एंगल से कंपनी ने ₹100 पर ₹2 तो डिस्काउंट ही दिया था, 98 मिलने वाले थे. मगर और सपोज 2% ऑन फेस वैल्यू, दैट इज ₹2 खर्च हो गए पर डिबेंचर फॉर फ्लोटेशन कॉस्ट. कौन सा कॉस्ट? फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब डिबेंचर बेचकर पैसा लाने का कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट. तो कंपनी के जेब में पर डिबेंचर कितना आया? 96.
तो अपन क्या बोल रहे हैं, जो भी हमने इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स भरा है वो एक्चुअली 100 पर नहीं भरा है, 96 पर भरा है, क्योंकि कंपनी को यूज करने कितना मिल रहा है 96. दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल. फिर उधर डिनोमिनेटर में 100 लेना ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 100 लेंगे तो कंपनी को 100 तो मिले ही नहीं, सिर्फ डिबेंचर का फेस वैल्यू दिख रहा है 100 रुपए, कंपनी के एक्चुअल जेब में पैसे कितने आए 96. तो ये कॉस्ट किस पर लग रहा है 96 पर, समझे क्या. सो इट इज I into 1 minus T upon NP और लास्ट में into 100 बिकॉज इट्स इन परसेंटेज. एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड. अगर मान लो आपने मुझे 1000 रुपीज दिए और मैंने उस पर आपको 80 रुपीज का इंटरेस्ट दिया, ठीक है, फॉरगेट अबाउट टैक्स शील्ड एंड एवरीथिंग, आई एम पेइंग यू 80 रुपीज का इंटरेस्ट, यू पेड मी 1000, सो माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क्स आउट टू 80 divided by 1000 into 100. आर यू गेटिंग, इग्नोरिंग टैक्स शील्ड बोल रहा हूं मैं, इग्नोरिंग टैक्स शील्ड, माई कॉस्ट इज नथिंग बट 80 आई एम पेइंग यू, यू पेड मी 1000 ऑन विच आई एम पेइंग यू 80, तो मेरा कॉस्ट आना चाहिए 8%. अब कंपनी एंगल से सोचते थोड़ा सा, तो ये 80 पीएनएल में डेबिट होगा, 80 रुपीज पीएनएल में डेबिट होने की वजह से उसका टैक्स बचेगा, इसलिए अपन 80 इंटू 1 माइनस टैक्स ले रहे हैं. एंड क्योंकि कंपनी है तो कंपनी काफी बार क्या होता है, ये 1000 के बॉन्ड बेचते या डिबेंचर बेचते हैं, तो मार्केट से ये पैसा उठाने के लिए कुछ कॉस्ट लगता है, फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं इसको, तो वो लेस करने के बाद कंपनी के जेब में कितना पैसा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज नेट प्रोसीड. नाउ रेडीमेबल डेट, redeemable debt is repaid. Okay, do you pay interest on redeemable debt? Yes, of course. And therefore, KD is equal to I into 1 minus T. ये part तो उतना वैसे ही रहेगा. I into 1 minus T. इसके साथ साथ plus आपको extra cost भी incur करना पड़ेगा, क्योंकि आपको repay करना है debt. तो repay करना है ना, ध्यान से सुनो, जितना पूरा जेब में आया उतना ही रीपे करना रहेगा, तो नो एक्स्ट्रा कॉस्ट. बट अगर कम मिला है और हम रीपे ज्यादा कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली दिस इज द कॉस्ट. यू रिसीव्ड 96, यू आर रीपेइंग सपोज 105. ऐसा होता है ना काफी बार, कंपनी इश्यूड डिबेंचर एट 2% डिस्काउंट, 2 रुपीज वॉज फ्लोटेशन कॉस्ट, तो कंपनी के जेब में कितना आया 96, मगर कंपनी बोल रही है रिडम्पशन एट 5% प्रीमियम, रिडम्पशन एट 5% प्रीमियम, तो सोचो कंपनी के जेब में कितना आया 96, मगर गया कितना 105. आर यू अंडरस्टैंडिंग, मिलते वक्त मिला कितना 96 मिला, रीपे करते वक्त कितना रीपे कर रहे 105 रीपे कर रहे, तो डिफरेंस कितना एक्स्ट्रा दिया तुमने, 9 रुपीज का डिफरेंस एक्स्ट्रा दिया. दिस 9 रुपीज क्या हम एवरी ईयर देने वाले है? नहीं, मगर ये कॉस्ट तो एवरी ईयर है, तो इसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स करना पड़ेगा ना, इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ दैट कॉस्ट. क्या बोलते हैं इसको, अमोर्टाइजेशन ऑफ दैट कॉस्ट. और हम क्या करेंगे फिर, इस 9 रुपीज को सपोज 9 इयर्स का लाइफ रहेगा, तो डिवाइडेड बाय 9 करके पर ईयर 1 रुपया आ जाएगा. सो वो इफेक्ट देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस आर वी रेडीमेबल वैल्यू, मेरे एग्जाम्पल में कितना था 105, माइनस एनपी नेट प्रोसीड, मेरे एग्जाम्पल में कितना था 96, डिवाइडेड बाय एन करके नंबर ऑफ इयर्स को डिवाइड करके पर ईयर कॉस्ट निकाल लिया, अमोर्टाइज कर दिया उस कॉस्ट को, एंड ये आ गया मेरा फुल कॉस्ट. अभी इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स शील्ड प्लस अमोर्टाइजेशन, हाउ डू यू रीड दैट फॉर्मूला, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स शील्ड प्लस अमोर्टाइजेशन. अब इसको डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब अमाउंट दो अमाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक 96 वाला जो मिला और एक 105 वाला जो रीपे किया. अब आपने ये कॉस्ट किस पर भरा है, 96 जो मिला उस पर भरा, या 9 सालों बाद जब रिडम्पशन रहेगा 105 पर, तो वो कॉस्ट पर भी भरा जा सकता है ना. सी, मिलते वक्त 96 मिल रहा है, रीपे करते वक्त 105 रीपे हो रहा है, तो किस पर वो कॉस्ट कंसिडर करें, 96 पर या 105 पर. तो हम एक्चुअली क्या कर लेते हैं, उसको एवरेज आउट कर लेते हैं, और हम बोलते हैं कि इन दोनों के एवरेज पे वो कॉस्ट कंसिडर करेंगे, तो इट इज आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2.
व्हाट इज दैट? डिनोमिनेटर क्या है? वो सिंपल एवरेज ऑफ आरबी प्लस एनपी. आरबी एनपी का सिंपल एवरेज है वो, दो नंबर है इसलिए दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय टू कर दिया और लास्ट में इनटू 100 कर दिया बिकॉज इट्स इन परसेंटेज. सो मेरा पूरा फॉर्मूला कैसे बन गया? केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स शील्ड प्लस अमोर्टाइजेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इनटू 100. समझ गए? दिस इज रेडीमेबल डेट का फॉर्मूला. ये फॉर्मूला हमारे सिलेबस में बहुत बार यूज होगा. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो. Any doubt with this? Now coming to second formula, second category rather, cost of preference shares. Cost of preference shares, symbolically इसको KP बोलते हैं. Cost of preference shares, KP. इसमें भी दो टाइप है. वन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एंड सेकंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. I think in real life, irredeemable preference shares cannot be issued, no? But in theory, we have this formula still. So, irredeemable preference shares. Now friends, look at this formula and you make the formula. KD is equal to I into 1 minus T upon NP into 100 ke jaga. Will you take KP? इज इक्वल टू आई लोगे क्या आप? आई नहीं. क्या लोगे? पीडी. विल यू गिव टैक्स शील्ड टू दैट? नो. तो ओनली पीडी डिवाइडेड बाय एनपी इंटू 100. फॉर्मूला क्या होगा? ओनली पीडी डिवाइडेड बाय एनपी इंटू 100, नथिंग कॉल्ड इंटू 1 माइनस टैक्स बिकॉज इट्स नॉट टैक्स डिडक्टिबल. तो यहां का फॉर्मूला बहुत सिंपल है. केपी इज इक्वल टू पीडी अपॉन एनपी इंटू 100, राइट. कमिंग टू सेकेंड फॉर्मूला, रेडीमेबल कैटेगरी. लुक एट दिस एंड टेल मी. केडी इज इक्वल टू पीडी प्लस, आगे का पूरा सेम, डिनोमिनेटर भी सेम, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स के साथ भी ऐसा होता है कि वो इश्यू होते हैं सपोज कम दाम पे और रिडीम होते हैं ज्यादा दाम पर. तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा दाम जो हम पे कर रहे हैं वो अमोर्टाइज करना पड़ता है. तो इट विल बी पीडी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन टू इंटू 100. पीडी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, दैट इज नथिंग बट प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस अमोर्टाइजेशन डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन टू, दैट इज एवरेज इन टू 100. अगर क्वेश्चन में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दिया रहेगा तो डीडीटी याद है ना क्या होता है? 115O डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो डू यू थिंक डीडीटी इज एप्लीकेबल ऑन प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड? पहले तो बेसिक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं. Yes, because it's not equity dividend distribution tax. It is called a dividend distribution tax. It's applicable for all kind of dividend, equity हो या preference हो. तो आपको 115 हो applicable रहेगा और आपको preference dividend पर भी क्या भरना पड़ेगा? Dividend distribution tax. अगर वैसा दिया रहेगा ना तो आपको preference dividend including DDT लेना पड़ता है वहां पर. Preference dividend इंक्लूडिंग डीडीटी मतलब क्या सर? मतलब अगर सपोज आपका प्रेफरेंस डिविडेंड 12 रुपए है और आपका डीडीटी का रेट सपोज 15% है तो डोंट टेक 12 रुपए, टेक 12 प्लस 15% ऑफ 12.
फिर वो 13 पॉइंट जो भी आएगा, 14 पॉइंट जो भी आएगा, वो अमाउंट वहां पे लेना पड़ेगा। अगर डीडीटी दिया रहेगा तो इंक्लूडिंग डीडीटी प्रेफरेंस डिविडेंड लेना पड़ेगा, समझ गए। नोट करके लिख देते इधर, इन दोनों के नीचे नोट। इफ डीडीटी इज गिवन इन क्वेश्चन, DDT is given in the question, comma, take preference dividend, take preference dividend, including DDT, take preference dividend including DDT in the above formula. Take preference dividend including DDT in the above formula. समझ जाए क्या सबको? Any doubt? Last part पे आते हैं हम लोग अभी। आपके पास अगर जगह नहीं रहेगा तो आप इसको end में भेज सकते हो ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है? ऐसे arrow कर दो नीचे, और arrow करके पूरा नीचे का space use कर सकते हैं आप, और पूरा करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं तो उसमें 6 फॉर्मूले आएंगे, सिर्फ 6। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ओके, नीचे का पूरा स्पेस मैं यूज कर रहा हूं यहां पर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सिंबॉलिकली इसको के ई बोलते हैं, और इसमें 6 टाइप आएंगे, और ये पूरे कैटेगरी को आप स्टार मार्क कर सकते हो, स्टार मार्क कर लो इस पूरे कैटेगरी को। ये फाइनल के एंगल से ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है, याद है कुछ, प्राइस का डिविडेंड प्राइस अप्रोच, इसको बोलते हैं डिविडेंड प्राइस अप्रोच। 6 फॉर्मूले आने वाले, थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट बराबर करना। डिविडेंड प्राइस अप्रोच, व्हाट एग्जैक्टली इज द लॉजिक ऑफ डिविडेंड प्राइस अप्रोच? डिविडेंड जितना डिविडेंड पे करेंगे वही कॉस्ट रहेगा इक्विटी यूज करने का। इक्विटी यूसेज कॉस्ट इज नथिंग बट पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ध्यान से सुनो, इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव हो रहा है मैं वहां से बताऊंगा आपको। देखो, इसका फॉर्मूला है के इज इक्वल टू डी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100। व्हाट इज डी वन? डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट पीरियड, ओके, ईयर हेंस, एक साल बाद का डिविडेंड, अपॉन पी जीरो इज करंट मार्केट प्राइस इंटू 100। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विटी यूज करने का कॉस्ट एक ही कॉस्ट है, वो है डिविडेंड। अब ये फॉर्मूला आया तो कैसे आया? देखो, आपने अभी अभी मेरे साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा था, मुझे एक बात बताओ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपने इनफाइनाइट एन्युटी पढ़ा था? एग्जैक्टली, विदाउट ग्रोथ इनफाइनाइट एन्युटी का फॉर्मूला यहां पर यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला है वो? पीवी इज इक्वल टू, बोलो, ए बाय आर। वाई दिस फॉर्मूला सर? बिकॉज इक्विटी शेयर्स आर नेवर रिडीम्ड। हाउ मेनी इयर्स एज अ कंपनी आई एम गोइंग टू पे डिविडेंड टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स, बिकॉज कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, इट इज परपेचुअल एंटिटी, नेवर एंडिंग। सो ऑब्वियसली कंपनी अगर नेवर एंडिंग है तो उसके इक्विटी का डिविडेंड भी नेवर एंडिंग है, क्योंकि जैसे आप डिबेंचर्स को रिडीम करते हो, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हो, इक्विटी को कभी रिडीम नहीं होते। दो ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन में उनका पैसा उनको वापस दिया जाता है। कौन से दो सिचुएशन जब उनका पैसा उनको वापस दिया जाएगा? इक्विटी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी एंड बायबैक ऑफ शेयर्स, वेरी गुड। सो दो सिचुएशन, दोनों भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन है। बायबैक हम लोग हर वक्त नहीं करते, और लिक्विडेशन तो सवाल ही नहीं आते बार बार करने का।
बराबर ना, दो सिचुएशन है जहां पे इक्विटी शोल्डर्स का पैसा उनको वापस दिया जाएगा और उसको छोड़ के कभी दिया नहीं जाएगा. तो इसका मतलब इक्विटी इज हैविंग परपेचुअल एग्जिस्टेंस एंड देयरफॉर डिविडेंड ऑन इक्विटी इज ऑल्सो परपेचुअल. नाउ दिस डिविडेंड प्राइस अप्रोच अज्यूम्स दैट डिविडेंड ऑफ एवरी ईयर रिमेन सेम. डिविडेंड ऑफ एवरी ईयर विल रिमेन सेम. इफ डिविडेंड ऑफ एवरी ईयर विल रिमेन सेम फ्रेंड्स, देन दैट डिविडेंड अमाउंट विल बी कॉल्ड एज एन्यूटी फ्रॉम टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाइज. एवरी ईयर डिविडेंड अगर सेम रहेगा तो डिविडेंड अमाउंट को मैं एन्यूटी बुला सकता हूं. सो फिर वो एन्यूटी कब तक चलेगा? इन्फाइनाइट ईयर्स तक चलेगा. इन्फाइनाइट ईयर्स की एन्यूटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ए बाय आर है. अब मुझे बताओ, आपको इन्फाइनाइट ईयर्स तक सेम अमाउंट ऑफ एन्यूटी मतलब डिविडेंड मिलेगा. एन्यूटी कब से शुरू होती है? ये प्रेजेंट वैल्यू वाले फॉर्मूले में प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए बाय आर. ए कब से शुरू होगा? फर्स्ट ईयर से शुरू होगा, याद रखो. इसलिए डी नहीं लिखा है, डी जीरो नहीं लिखा है, डी वन लिखा है. डी वन क्यों लिखा है? क्योंकि एन्यूटी स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर. ओके, एंड एन्यूटी के जगह मैंने डी वन लिखा है. आर के जगह मैं के ही लिख सकता हूं. आर इज नथिंग बट रेट ऑफ रिटर्न, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इक्विटी का रिटर्न इज नथिंग बट कंपनी के लिए तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना. सो आर के जगह हमने क्या लिखा? के ई. एंड प्रेजेंट वैल्यू मतलब आप मुझे बोलो इन्फाइनाइट ईयर्स तक आपको डिविडेंड कब मिलेगा? जब आज आपने शेयर्स को खरीदा. आज शेयर को खरीदना रहेगा तो आज के प्राइस पे खरीदना पड़ेगा ना. सो प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट पी जीरो. प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट करंट प्राइस ऑफ शेयर. करंट प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू नेक्स्ट ईयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय के ई. कैन वी मॉडिफाई दिस एंड मेक इट दिस? के ई इज इक्वल टू, बराबर क्या? So this original formula is derived from this logic. लिख लो, dividend price approach. Dividend price approach. K is equal to D1 upon P0 into 100, and that is nothing but प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्फाइनाइट एन्यूटी का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं ए बाय आर, और उसी को मॉडिफाई करके हमारा फॉर्मूला बन रहा है. लिखा, क्या गड़बड़ है इस फॉर्मूले में? मगर एवरी ईयर डिविडेंड रिमेन सेम, हाईली अनरियलिस्टिक अजम्पशन. इन्फाइनाइट ईयर्स तक विल रिमेन सेम, वो तो इम्पॉसिबल है. बिकॉज सी, सपोज करंटली द कंपनी इज गिविंग 2 rupees डिविडेंड पर शेयर. फेस वैल्यू इज 10 rupees. 10 rupees का 20% डिविडेंड भी बोला ना तो 2 rupees पर शेयर डिविडेंड आता है. 2 rupees पर शेयर आज डिविडेंड दे सकती है, आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद 2 rupees की क्या वैल्यू रहेगी? कुछ भी नहीं रहेगी. तो ऑब्वियसली दिस इज हाईली अनरियलिस्टिक. और वैल्यू क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि इन्फ्लेशन है ना. तो फिर डिविडेंड प्राइस अप्रोच का एक अनदर मॉडल आया, इसको बोलते हैं डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच. डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच, ये सेकंड टाइप है, बराबर क्या? और ये फॉर्मूला, ये जो लॉजिक है, ये बोलता है कि एवरी ईयर डिविडेंड विल रिमेन सेम बट विथ ग्रोथ रेट. विथ ग्रोथ रेट इसलिए बिकॉज इन्फ्लेशन है, तो एक कांस्टेंट ग्रोथ हम ऐड कर रहे हैं उसको, उसको बोला रहे जी ग्रोथ. तो आपको याद है ये फॉर्मूला विथ ग्रोथ का क्या था? ये वाला. Can you make it with growth? Tell me here. PV is equal to A upon R minus G. याद आया? चलो अब इसके जगह मैं substitute करना start करता हूं. PV is P0. बराबर? Annuity is starting from next year D1 upon R is nothing but K minus G growth. And now can we modify this as make it and make it K is equal to? तो मैथ्स के दुश्मन हो, इस पूरे डिनोमिनेटर को इधर लेना पड़ता है और D1 अपॉन P0 करना पड़ता है, याद है ना? एंड फिर हम K इज इक्वल टू बनाएंगे उसको. फिर क्या होगा? K इज इक्वल टू, ऊपर लिख रहा हूं डायरेक्ट में, K इज इक्वल टू D1 अपॉन P0, और वो जो माइनस G है वो इधर आकर प्लस G हो जाएगा, और लास्ट में इस सबको इंटू 100 करना पड़ेगा, परसेंटेज मिलाना है. इसलिए
PV is equal to A by R minus G. PV is nothing but P0. Annuity is nothing but dividend of first year divided by R minus G is KE minus G. Modifying this formula, will make it K is equal to, and it comes to D1 upon P0 plus G into 100. D1 upon P0 plus G into 100. Any doubt till here? Sab kuch click ho raha hai kya? Now, in dono models ko, in dono approaches ko, saath mein milkar ek naam hai. Dono ko milakar bolte hai, डिविडेंट डिस्काउंट मॉडल. क्या बोला जाता है इसको? डिविडेंट डिस्काउंट मॉडल. एग्जाम में कभी कभी ये लोग क्वेश्चन में ऐसा लिखते हैं, यूजिंग डिविडेंट डिस्काउंट मॉडल. डिविडेंट डिस्काउंट मॉडल इज नथिंग बट दिस सेम. दो में से कोई भी एक ग्रोथ रहेगा तो सेकेंड वाला, नहीं रहेगा तो फर्स्ट वाला. थर्ड अप्रोच जो आज तक कभी यूज नहीं हुआ एग्जाम में, क्योंकि कभी इस पे क्वेश्चन ही नहीं आया, वो है अर्निंग्स प्राइस अप्रोच. अर्निंग्स प्राइस अप्रोच, व्हाट इज द फॉर्मूला? What is the logic? You remember? Earnings price. Dividend price ke jaisa hi same earning price hai. Actually copy of dividend price approach. Magar nakal ko bhi akal lagti na. Inhone wo bhi nahi lagai. Inhone kya kya? Dividend price approach mein inhone bola hai ki dividend is not the cost of using equity. EPS is the cost. Why EPS is the cost? Uska unhone bahut achha logical answer diya. Unhone kya bola? Ki suppose company is earning 10 rupees EPS. कंपनी इज पेइंग 20% डिविडेंड, मतलब 2 रुपीज का डिविडेंड. कंपनी इज रिटेनिंग हाउ मच? 80%, 8 रुपीज का रिटेन्ड अर्निंग है पर शेयर. अब ये अप्रोच क्या बोलता है कि कंपनी को आप क्या बोल रहे हो कि 2 रुपए का कॉस्ट है, 8 रुपए का कॉस्ट नहीं है. मगर ये बोल रहे ऐसा नहीं है, 8 रुपए भी कॉस्ट है और 2 रुपए भी कॉस्ट है. द ओनली डिफरेंस इज 2 रुपए तुम अब भी पे कर रहे हो और 8 रुपए तुम पेएबल दिखा रहे हो. कैसे पेएबल दिखा रहे हो? रिटेन अर्निंग्स या रिजर्व्स एंड सरप्लस कहां लिखा जाता है? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. तो ये क्या बोलता है अप्रोच कि अगर तुम 2 रुपए कॉस्ट पेड को कॉस्ट मान रहे हो तो जो पेएबल 8 रुपए है वो भी तो कॉस्ट ही है ना, क्योंकि तुम क्लियरली बता रहे हो कि वो पेएबल है. तो फिर वो भी एड करो. डोंट टेक 2 रुपीज और 8 रुपीज, टेक 10 रुपीज एज योर कॉस्ट. तो उस लॉजिक तक ठीक था. फिर उन्होंने क्या बोला कि हम डिविडेंड प्राइस की जगह डी वन के जगह ईपीएस यूज करने वाले फॉर्मूले में. EPS is the cost. तो फिर हमारा फॉर्मूला उन्होंने जो बनाया वो ये था. सेम फॉर्मूला जो यहां पे था उसी को मॉडिफाई किया उन्होंने और उन्होंने बोला KE is equal to EPS 1 upon P0 into 100. EPS 1 upon P0 into 100. मगर ये लोग एक चीज भूल गए जो उधर के अप्रोच में इन्होंने यूज की थी, और इन्होंने भूले नहीं, इन्होंने स्ट्रेट अवे उसको भी कॉपी कर लिया. इधर उधर के अप्रोच में क्या बोला था? एवरी ईयर डिविडेंड विल रिमेन कांस्टेंट. इन्होंने बोला एवरी ईयर ईपीएस विल रिमेन कांस्टेंट. मुझे बोलो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ये तो. एवरी ईयर डिविडेंड विल रिमेन कांस्टेंट इज पॉसिबल, क्योंकि मुझे जितना देना है वो मैं कांस्टेंट रख सकता हूं, मगर जितना मैं कमाऊंगा पर शेयर ये कैसे कांस्टेंट रहेगा? फिर बिजनेस किसको बोलते हैं? सो बेसिकली ये पूरा मॉडल ही फिर वेग और फिर नॉट एप्लीकेबल फॉर रियल लाइफ बन गया. बट क्योंकि ये फॉर्मूला है तो आपको सिर्फ देखना है कि ये डिविडेंड अर्निंग्स प्राइस अप्रोच क्या होता है. तो इन्होंने बोला अर्निंग्स प्राइस अप्रोच इज एवरी ईयर अर्निंग रिमेनिंग सेम, और कॉपी करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी. सेकेंड अप्रोच भी कॉपी किया. सेकेंड अप्रोच था आपका अर्निंग्स प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच. अर्निंग्स प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच. अब तो हाइट हो गई. अब ये क्या बोल रहे हैं आपको? एवरी ईयर डिविडेंड ईपीएस विल रिमेन कॉन्स्टेंट विद ग्रोथ ऑल्सो.
मतलब जितना भी तुम हर साल कमाओगे वो कांस्टेंट रेट से ग्रो होगा, तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, के इज इक्वल टू ईपीएस वन अपॉन पी जीरो प्लस जी इंटू 100। तो मतलब अगर कुल मिला के मैं इस अप्रोच की बात बोलूं तो ये अप्रोच ने कुछ नहीं किया, सिर्फ डी वन के जगह ईपीएस डाल दिया बस, इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ डी वन बाय ईपीएस वन, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, पूरा फॉर्मूला सेम, सब कुछ सेम, अजम्पशंस तक तो उन्होंने सिर्फ डिविडेंड की जगह अर्निंग के लिए लगा दी है। हाईली अनरियलिस्टिक, अनएक्सेप्टेबल, इसलिए एग्जाम में भी नहीं आता इस पर कोई क्वेश्चन। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर जगह नहीं रहेगा तो नीचे आ जाओ, और नीचे भी जगह नहीं रहेगा तो आप मैनेज कर लो फिर, ठीक है। आपके पास और दो फॉर्मूले आने वाले ना, तो ये फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला है और यहां पे हम सिक्स नंबर का फॉर्मूला लिखेंगे। फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। क्या नाम है? रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, हर अप्रोच अपने अंदर एक अलग अजम्पशन, एक अलग तरीका अडॉप्ट करता है। ये अप्रोच का क्या मानना है? ये अप्रोच का मानना है कि जो भी कंपनी का कॉस्ट है ना, वो और कुछ नहीं, इन्वेस्टर्स का रिटर्न है जो कंपनी का कॉस्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? व्हेन आई एम सेइंग इट्स कॉस्ट टू माय कंपनी, इट शुड बी रिटर्न टू इन्वेस्टर। सो दिस अप्रोच सेज, व्हाई आर यू कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कंपनी, कैलकुलेट द रिटर्न टू इन्वेस्टर एंड नेम इट एज कॉस्ट ऑफ कंपनी। तो जो मेरे इक्विटी इन्वेस्टर्स है, सपोज ये मेरे इक्विटी इन्वेस्टर्स है, इनका कॉस्ट, इनका रिटर्न कंपनी का कॉस्ट है, तो व्हाई आर वी कैलकुलेटिंग कंपनी कॉस्ट, कैलकुलेट देयर रिटर्न एंड कॉल इट एज कॉस्ट ऑफ कंपनी इक्विटी। तो उस लॉजिक से सोचना पड़ेगा सबसे पहले कि इक्विटी इन्वेस्टर्स का क्या रिटर्न रहता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड डिविडेंड। कैन यू एलाबोरेट, क्या बोलना चाहते हो तुम? इंक्रीज इन शेयर प्राइस, ओके, कैपिटल गेन बोलेंगे उसको हम लोग, बराबर ना, इंक्रीज इन शेयर वैल्यू इज कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड, ये दोनों रिटर्न टू इन्वेस्टर है। अब इसको परसेंटेज रिटर्न करना है सपोज ईयरली बेसिस पर, तो मुझे दोनों रिटर्न को लेकर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इन 200 करना पड़ेगा। ध्यान दो क्या फॉर्मूला बनेगा, इसका फॉर्मूला है के इज इक्वल टू, दिखने में अजीब दिखता है बट बहुत लॉजिकल है, डोंट वरी, डी टी प्लस पी टी माइनस वन होल डिवाइडेड बाय पी टी माइनस वन इन 200। डिविडेंड ऑफ टाइम टी, लेट अस अज्यूम टाइम टी एज 2020, डिविडेंड ऑफ 2020 प्लस प्राइस एट द एंड ऑफ 2020 माइनस प्राइस एट द एंड ऑफ 2019 होल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ 2019 इन 200। एंड नेक्स्ट ईयर क्या होगा मालूम है क्या? नेक्स्ट ईयर, इसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा? ये सब के ही किसके लिए निकला था? 2020 के लिए निकला था। 2021 के लिए अगर आपको निकालना रहेगा तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा डिविडेंड ऑफ 2021 प्लस प्राइस ऑफ 2021 माइनस प्राइस ऑफ 2020 होल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ 2020 इंटू 100। सो हम लोग क्या कर रहे हैं इस फॉर्मूले में एग्जैक्टली? हम लोग अज्यूम कर रहे हैं लास्ट ईयर ही शेयर परचेस किया है और इस साल का रिटर्न क्या है। अगली बार अज्यूम कर रहे हैं लास्ट ईयर ही शेयर परचेस किया तो इस बार का रिटर्न क्या है, क्योंकि हमको कॉस्ट जो है वो ईयरली निकालना होता है ना, तो हमें ऐसा अज्यूम करना ही पड़ेगा कि हमें लास्ट ईयर शेयर प्राइस को ही बेस प्राइस मानना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? सो डी टी इज डिविडेंड ऑफ टाइम टी, PT माइनस वन इज नथिंग बट एक साल में बढ़ने वाला प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस मतलब लास्ट ईयर प्राइस इन 200। समझे? लिख लो, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच इज के इज इक्वल टू DT प्लस PT माइनस वन होल डिवाइडेड बाय पीटी माइनस वन इन 200।
यहां तक क्लियर है? लास्ट फॉर्मूला ऑफ की इज CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CA फाइनल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपको अगर याद होगा तो मैंने इंटर में बोला था आपको कि हम इसको फाइनल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो CAPM अप्रोच, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, लॉन्ग फॉर्म भी लिख दो उधर, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आपको इसका फॉर्मूला याद है? यस, ट्राई करेगा कोई? बीटा यूज होता है इधर, बोलो। आरएफ प्लस बीटा इंटू ब्रैकेट आरएम माइनस आरएफ, वेरी गुड। याद है आपको भी? व्हाट एग्जैक्टली इज द फॉर्मूला लॉजिक नाउ? व्हाट इज दिस आरएफ आरएम, क्या क्या है? आरएफ इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। व्हाट इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बॉन्ड रेट इज कॉल्ड एज रिस्क फ्री रेट बिकॉज इट्स लाइक गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में क्या रिस्क रहेगा? जीरो रिस्क। सो वही माना जाता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। प्लस वो बी लंबी डंडी वाला बी बीटा, याद आ रहा है कुछ इसका लॉजिक? सेंसिटिविटी ऑफ आवर स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट, मतलब क्या? मार्केट जब चेंज होगा तो अपना स्टॉक कितना चेंज होगा इज मेजर्ड बाय बीटा। बीटा मेजर्स मार्केट रिस्क, बीटा मेजर्स मार्केट रिस्क। डोंट वरी, आई राइट इट डाउन फॉर यू। तो एक बार हम लोग ये पहले लिखने के बाद में नीचे लिख देंगे, बीटा इज द सेंसिटिविटी ऑफ आवर स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट। मार्केट बदला सपोज 10% से और अपना स्टॉक अगर बदला 15% से तो ये दिखाता है अपने स्टॉक की वोलेटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट। मार्केट 10% से चेंज हो रहा है, अपना स्टॉक 15% से चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब अपना बीटा 1.5 टाइम्स का है क्योंकि मार्केट के कंपैरिजन में अपनी वोलेटिलिटी 1.5 टाइम्स है। सपोज मार्केट चेंज हुआ 10% से और अपना स्टॉक चेंज हुआ सिर्फ 5% से तो अपना बीटा 0.5 का है। अपना मार्केट रिस्क मार्केट से भी कम है। मार्केट 10% से हिलता है, अपना स्टॉक 5% से हिलता है, 0.5 बीटा। मार्केट 10% से हिलता है, अपना स्टॉक 25% से अगर हिलेगा तो अपना बीटा 2.5 टाइम्स का बन जाएगा। दिस इज बीटा, समझा बीटा? व्हाट इज आरएम नाउ? आरएम रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम मार्केट, रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम मार्केट इज कॉल्ड एज आर एम। इन जनरल मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो कितना मिलेगा इज कॉल्ड आर एम। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस होल फॉर्मूला, आई टेल यू। ये फॉर्मूला क्या बोलता है इसको डिटेल में हम लोग बहुत अच्छे से कहां देखेंगे? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में देखेंगे, बट फिर भी अभी के लिए फिलहाल इस बेसिक्स को सॉल्व करने के लिए मैं आपको समझाता हूं। सपोज ये फॉर्मूला बोलता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है ना आपको, तो आप सबसे पहले ये देखो कि इन्वेस्टर्स को आपको कम से कम रिटर्न कितना देना पड़ेगा। तो सपोज कम से कम रिटर्न देना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड का रेट कितना है? सपोज 5% है, तो अपने को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड जितना 5% तो देना ही पड़ेगा। बट क्या लगता है आपको कि इक्विटी इन्वेस्टर्स 5% में खुश रहेंगे? उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बिकॉज 5% तो विदाउट रिस्क है। वो लोग तुम्हारे शेयर में इन्वेस्ट कर रहे, दे आर टेकिंग रिस्क, दे शुड गेट प्रीमियम फॉर रिस्क। क्या वर्ड यूज किया मैंने? प्रीमियम फॉर रिस्क। एंड कितना प्रीमियम देना पड़ेगा उसके लिए तो आपको मार्केट एनालाइज करना पड़ेगा। अगर इन जनरल स्टॉक मार्केट अगर रिटर्न देता है सपोज 12% का मार्केट रिटर्न देता है, तो तुम्हें क्या लगता है 12% मार्केट में रिटर्न मिल रहा है तो 12% पूरा का पूरा रिस्क की वजह से मिल रहा है? 12% अगर मार्केट का रिटर्न है तो पूरा 12% ड्यू टू रिस्क है क्या? मार्केट में रिस्क फ्री बॉन्ड भी तो एक एलिमेंट है ना। तो मार्केट के ये 12% में से 5% निकाल दो तो समझेगा कि मार्केट कितना प्रीमियम दे रहा है ड्यू टू रिस्क। ये प्रीमियम अपना प्रीमियम नहीं है, मार्केट का प्रीमियम है क्योंकि आपने क्या किया 12% मार्केट के रिटर्न में से 5% लेस किया। तो ये 7% जो आपको दिख रहा है इट इज कॉल्ड एज मार्केट रिस्क प्रीमियम। क्या बोलते हैं इसको?
मार्केट रिस्क प्रीमियम. बट कैन वी गिव द सेम प्रीमियम फॉर आवर स्टॉक ऑल्सो? नो, वी हैव टू एक्चुअली सी मार्केट का प्रीमियम, अपना प्रीमियम सेम कब रहेगा? जब मार्केट का रिस्क और अपना रिस्क सेम है, मतलब बीटा वन है. बट बीटा इज नॉट वन ना, बीटा माइट बी वन टू थ्री फोर, कुछ भी हो सकता है ना, या फिर 0.5, 0.7, कुछ भी हो सकता है. सो ये फॉर्मूला बोलता है कि ये जो मार्केट प्रीमियम निकाल दिया आपने, रिस्क प्रीमियम, ये 7% आया. अब आप क्या करना चाहिए, आपके रिस्क के साथ इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए. आपका रिस्क अगर मान लो 2 times बीटा का है तो इंटू 2 कर दो इसको. लॉजिक क्या बनेगा मैं आपको समझाता हूं. आप 5% विदाउट रिस्क जो मिलता है वो तो दोगे ही दोगे, प्लस 14% का प्रीमियम दोगे, मतलब कुल मिला के 19% का आप रिटर्न दोगे, जो आपकी कंपनी का कॉस्ट रहेगा. आप पूरे फॉर्मूले में आपने बाइफरकेट लिया, देखा कि 14% इज ड्यू टू रिस्क एंड 5% इज विदाउट रिस्क, टोटल इज 19%. ये जो 14% है ना, ये इसलिए आया क्योंकि अपना बीटा 2 times था. कभी ऐसा भी हो सकता है कि अपना मार्केट का रिस्क, मार्केट के कंपैरिजन में अपना रिस्क कम है, ऐसा भी पॉसिबल है. तो सपोज मार्केट का और अपना रिस्क का कंपैरिजन बीटा ने किया और अपना बीटा आया 0.5, तो इसका मतलब जो मार्केट आपको प्रीमियम दे रहा था उससे आधा ही प्रीमियम देने की जरूरत है आपको. मार्केट इन जनरल इन्वेस्टर्स को कितना प्रीमियम दे रहा है? 7. कैसे 7 आया? 12 माइनस 5 किया तो 7% का प्रीमियम कौन दे रहा है? मार्केट. किसको दे रहा है? इन्वेस्टर्स को. अपने को 7 देना जरूरी नहीं है, क्योंकि अपना रिस्क मार्केट से हाफ है तो अपना प्रीमियम भी मार्केट से हाफ होना चाहिए. तो अपन 3.5% ही देंगे, और 3.5% प्लस 5% अपना आएगा टोटल. अपना रिटर्न इन्वेस्टर को कितना देंगे अपन? 8.5. मगर सर मार्केट तो दे रहा है 12%, आप बोल रहे हो आप दे दो 8.5, तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे क्या? यस, बिकॉज अपना रिस्क मार्केट से कम है, इसलिए अपना रिटर्न भी मार्केट से कम रहेगा. अगर अपना रिस्क इक्वल टू मार्केट रहेगा, इस फॉर्मूले में आप बीटा का वैल्यू 1 लोगे ना, तो विदाउट सॉल्विंग वी कैन से दैट द आंसर शुड कम 12%. ऑब्वियसली इट शुड कम 12% बिकॉज मार्केट का रिटर्न कितना है? 12. अपना रिस्क कितना है? इक्वल टू मार्केट, तो अपना रिटर्न भी इक्वल टू मार्केट होना चाहिए ना. जेपिंग क्या, कुछ समझा क्या अच्छे से? क्या बोला? दिस इज एक्चुअली सीएपीएम अप्रोच, और इसको हम लोग डायग्रामेटिकली वगैरह सब 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 डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे. फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लो. इंटर लेवल का ही एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं आपको अभी फिलहाल. तो लिखा आपने, एग्जांपल के साथ लिखना है तो लिख दो. लिख दे, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आपने पूछ लिया एक्चुअली, कि अगर मार्केट का रिटर्न है 12, अपना रिस्क है हाफ ऑफ मार्केट, तो अपना रिटर्न जो इन्वेस्टर को जा रहा है वो 8.5 नहीं जाना चाहिए था, फिर 12 का हाफ. एग्जैक्टली, ये जो मार्केट का रिटर्न था 12 ना, ये 12% का 2 parts है. मार्केट ड्यू टू रिस्क अलग दे रहा है और विदाउट रिस्क अलग दे रहा है. दिस इज द बाइफर्केशन. एंड व्हाट योर प्रीमियम आई एम गोइंग टू गिव इज ओनली ड्यू टू रिस्क का लॉजिक. विदाउट रिस्क जो 5% है वो तो पूरा ही देना पड़ेगा अपने को, और वो अपन दे ही रहे ना. ये क्या, पहले अपन ने ऐड किया ना इधर 5%. सो इसका हाफ देना पड़ेगा. इसका हाफ कितना होता है? 3.5, और ये 5 पूरा देना पड़ेगा, तो कितना हो गया? 8.5. सीएपीएम अप्रोच. यस, बीटा नेगेटिव भी हो सकता है. बीटा नेगेटिव अगर हो गया तो वो रिलेशनशिप अबनॉर्मल रिलेशनशिप माना जाता है, क्योंकि बीटा नेगेटिव होना ये कोई कॉमन फेनोमेना नहीं है. मतलब पूरा इंडस्ट्री एक, मतलब आपका एक इंडस्ट्री या आपका एक शेयर अलग चल रहा है और मार्केट अलग डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस टाइम पे वो लॉजिकल रिलेशनशिप दिखाता नहीं है आपको. ये जो मार्केट रिस्क है ना, इट इज ड्यू टू जनरल फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑल द इंडस्ट्रीज एंड कंपनी. मतलब फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल अनरेस्ट है. पॉलिटिकल अनरेस्ट अगर रहेगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी इलेक्शन के रिजल्ट आ गए और सपोज कांग्रेस सरकार आ जाता है, पप्पू का सरकार आ गया,
होल इकोनॉमी विल बी इन शॉक एंड द मार्केट विल हैव सर्टनली अ ब्लैक डे. करेक्शन 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 आएगा मार्केट में. आप कौन से भी ठासू कंपनी रहने दो, आपका शेयर वैल्यू गिरेगा ही गिरेगा. ऐसे सिनेरियो को कंसिडर कर रहे हैं हम लोग नॉर्मल ट्रेंड को नहीं कंसिडर कर रहे कि मार्केट नॉर्मली गिर रहा है और आपका शेयर बढ़ रहा है. ये अलग सिनेरियो हो गया. हम लोग मार्केट रिस्क जब बोलते हैं तब ऐसे फैक्टर्स की वजह से आने वाला रिस्क को बात करते हैं विच विल अफेक्ट ऑल द इंडस्ट्रीज एंड ऑल द कंपनीज. इट्स नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क. आपको याद होगा आपने मतलब इसको लिवरेज में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ रिस्क. इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे. इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क अनसिस्टमैटिक रिस्क. और ये रिस्क हम लोग पढ़ने वाले आगे, उस टाइम पे इन सब के बारे में वापस डिटेल में बात होगी. बट एज फार एज दिस बीटा इज कंसर्न, वी डोंट टेक नेगेटिव बीटा. वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल सिनेरियो. ठीक. तो कुल मिला के हमने आज अभी जो है वो 10 फॉर्मूले पढ़े. केडी के 2, केपी के 2 एंड केई के 6 फॉर्मूलेस पढ़े. 6 फॉर्मूलेस में पहले था डिविडेंड प्राइस, फिर था डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ, फिर था अर्निंग्स प्राइस, फिर था अर्निंग्स प्राइस प्लस ग्रोथ, फिर था रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच और लास्ट में था सीएपीएम अप्रोच. राइट. नाउ फ्रेंड्स, इफ यू रिमेंबर, तो इसके ऊपर हमने वैक कैलकुलेशन सीखे थे. वैक कैलकुलेशन, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कैलकुलेशंस. ओके. उसका थोड़ा सा हम लोग यू कैन से क्वेश्चन आंसर्स बाद में लेंगे. पहले एक हाथ दूसरा बेसिक लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. ऑल ऑफ यू विल कम टू फर्स्ट क्वेश्चन. वेनिला एंटरप्राइजेस इश्यूज ₹100 फेस वैल्यू प्रेफरेंस स्टॉक, ₹100 फेस वैल्यू प्रेफरेंस स्टॉक विच कैरीज 12% डिविडेंड एंड इज रिडीमेबल आफ्टर 12 इयर्स एट पार. द नेट अमाउंट रियलाइज्ड पर प्रेफरेंस शेयर इज ₹95. नेट अमाउंट रियलाइज्ड पर प्रेफरेंस शेयर इज 95. व्हाट इज 95? नेट प्रोसीड. बिकॉज कंपनी को रियलाइज हुआ उतना अमाउंट, मतलब मिला है उतना अमाउंट, तो 95. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल? केपी पूछा है. कौन सा कैटेगरी है, रेडीमेबल है या अनरेडीमेबल? रेडीमेबल है. फर्स्ट राइट द फॉर्मूला. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज नथिंग बट केपी. केपी इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? डोंट लुक बैक, ट्राई टू रिकॉल. रेडीमेबल कैटेगरी का कॉस्ट ऑफ क्या प्रेफरेंस शेयर्स ना. बोलो, केपी इज इक्वल टू क्या आएगा? पीडी प्लस द अमोर्टाइजेशन ना, आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100. अब आपको पर प्रेफरेंस शेयर ये निकालना है. पर प्रेफरेंस शेयर जो कॉस्ट रहेगा वही ओवरऑल कॉस्ट रहेगा ना, परसेंटेज में. अमाउंट में नहीं बोल रहा मैं, परसेंटेज में. अगर एक प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट सपोज 8% है तो सभी प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट परसेंटेज वाइज तो 80% आएगा ना. तो इसलिए आपको पर प्रेफरेंस शेयर निकालना है. आगे आंसर कितना लिया पीडी आपने? ₹100 पे 12%, ₹12 प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रेडीमेबल वैल्यू इज एट पार मतलब 100 माइनस नेट प्रोसीड इज 95 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स आर 12 इयर्स होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2.
into 100. So your KP comes to kitna 12.74%. राउंडिंग ऑफ बराबर करो. जब आप टू डेसिमल लिखते हो तो थर्ड डेसिमल को देखकर सेकंड डेसिमल राउंड ऑफ करके लिखना चाहिए आपने. ठीक है, नीचे लिखो इसी क्वेश्चन में. अज्यूम डीडीटी ऑफ 15%. अज्यूम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑफ 15%. नाउ व्हाट विल हैपन, केपी इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, आप नंबर चेंज करके आंसर बताओ मुझे. Will your redeemable value change? Your net proceed will change? No, redeemable value change नहीं होगा, net proceed change नहीं होगा. Change होगा तो क्या change होगा? Preference dividend. Preference dividend आपने 12 रुपए लिया था, अब आपको 12 रुपए plus कितना करना है? 15%. कितना होता है वो? 13.8 लेना है क्या? Plus 100 माइनस 95 अपॉन 12 होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100. योर केपी कम्स टू 14.58%. 14.58% आ गया आंसर. तो आपने देखा डीडीटी की वजह से आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बढ़ जाता है. ऑफ कोर्स बढ़ना भी चाहिए ना. क्वेश्चन 8 पर आओ. 8th क्वेश्चन. सॉल्व दिस क्वेश्चन. Xavier's Limited presently pays a dividend of 1 rupee per share. What is presently paid dividend called? D0. Presently paid dividend is D0. And the share price is rupees 20 per share, that is P0. If these dividends were expected to grow at the rate of 12% per annum forever, matlab next year ka dividend will be is saal ka dividend प्लस कितना परसेंट? 12%. मतलब 1 प्लस 12% कम्स टू 1.12. व्हाट इज 1.12? D1, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड. नाउ दे आर सेइंग व्हाट इज द फर्म्स एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी यूजिंग अ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्रोच. व्हाट इज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्रोच? D1 अपॉन P0 प्लस G इंटू 100 वाला. मैंने आपको बोला था ना फॉर्मूले में कि ये अलग नाम भी है बोलकर, बराबर ना? ये सभी फॉर्मूले जब हमने देखे थे तो हमने अलग नाम की बात की थी. ये देखो, तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, विद ग्रोथ या विदाउट ग्रोथ? विद ग्रोथ. फॉर्मूला इज K इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G इंटू 100. D1 is nothing but 1 plus kitna percent? 12%. 1 plus 12%. And P0 is how much? 2020. Plus growth is how much? Kitna percent hai? 12% hai, toh 0.12 likhte isko. 12% ko 0.12 likhte. Kyun likhte? Kyunki yahan pe bracket ke bahar into 100 hai isliye. To isliye final answer aapka 1.12 divided by 20. प्लस 0.12 एंड लास्ट में इनटू 100 कितना आता है? 17.6%. 17.6% आया सभी का आंसर? एनी डाउट?
Now friends, we were supposed to write 2-4 lines for beta. Okay. But portfolio management के वक्त हम लोग beta के ऊपर properly देख लेंगे अच्छे से. As far as beta is concerned, आप सीधा सीधा एक दो line में answer लिख दो उधर. मतलब जहां पे formulas लिखे ना आपने वहां पे सिर्फ beta के लिए लिख लो. क्या लिखोगे beta के लिए? It is the sensitivity it is the sensitivity of our stock with respect to broad base market index like Sensex, Nifty, etc. क्या बोला, समझा क्या? एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो, इसकी जरूरत नहीं वैसे, बट फिर भी लिखना है तो स्टॉक एंड सपोज सेंसेक्स एंड इसके बेसिस पे हम निकाल रहे बीटा. एग्जाम्पल है ये सिर्फ. तो सपोज स्टॉक चेंज हुआ 25% से, जब सेंसेक्स चेंज हुआ 10% से, तो आपका बीटा 2.5 टाइम्स है. सपोज आपका स्टॉक चेंज हुआ 10% क्योंकि मार्केट चेंज हुआ 10%, आपका बीटा 1 है. आपका स्टॉक चेंज हुआ 2% से, जब आपका सेंसेक्स चेंज हुआ 10% से, तो आपका बीटा 0.2 टाइम्स. जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है? सेंसिटिविटी दिखाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको. इसका कैलकुलेशन वगैरह डिटेल में कैसे होता है, क्या होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे. सेंसिटिविटी ऑफ आवर स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू ब्रॉड बेस मार्केट इंडेक्स. डन. क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए. Company is considering raising of funds of about 100 lakhs by one of the two alternative methods, namely 14% institutional term loan and 13% non-convertible debenture. Do mein se ek choice karna hai apne ko. The term loan option would attract no major incidental cost. Underline this sentence.
टर्म लोन ऑप्शन वुड अट्रैक्ट नो मेजर इंसिडेंटल कॉस्ट, मींस जितना 100 लाख का आप लोग टर्म लोन अप्लाई करोगे उतना पूरा आपके जेब में आएगा, कोई नेट प्रोसीड चेंज नहीं होगा. द डिबेंचर वुड हैव टू बी इश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2.5% एंड वुड इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ 1 लाख. तो डिबेंचर के केस में आपका नेट प्रोसीड 100 लाख का नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि डिबेंचर्स 2.5% डिस्काउंट पे इश्यू हो रहे हैं, मतलब 100 लाख पे अगर मैं 2.5% लगाऊं तो 2.5 लाख का डिस्काउंट में ही चला जाएगा पैसा. एंड उसके अलावा 1 लाख रुपीस किस में जाएगा? कॉस्ट ऑफ इश्यू, जिसको हम लोग बार बार क्या बुला रहे, फ्लोटेशन कॉस्ट. तो अपनी जेब में 100 लाख में से कितना आएगा? 96.5 आएगा. कैसे? 2.5% डिस्काउंट मतलब 2.5 लाख चला गया, एंड 1 लाख 100 लाख का 1 लाख सीधा किस में जा रहा है? कॉस्ट ऑफ इश्यू में जा रहा है. तो आपके जेब में 96.5 लाख ही आ रहा है. दैट विल बी योर नेट प्रोसीड. नाउ दे आर सेइंग एडवाइज द कंपनी एज टू द बेटर ऑप्शन बेस्ड ऑन द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन ईच केस. अज्यूम टैक्स रेट 35%. अज्यूम टैक्स रेट 35% इफेक्टिव कॉस्ट के बेसिस पे बताओ कि कौन सा अच्छा है. ऑफ कोर्स हम उस ऑप्शन को चूज करेंगे जहां पे हमारा कॉस्ट सबसे कम आना चाहिए, सबसे कम आना चाहिए. तो सबसे पहले हेडिंग दे दो, इफ इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन इज टेकन, इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन इज टेकन, मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा. केडी, केपी, के ई, केडी. केडी में दो टाइप थे, रेडीमेबल, इररेडीमेबल. कुछ इयर्स के बारे में कुछ बोला ही नहीं कि टर्म लोन कितने साल बाद वापस देना है. टर्म लोन बोल रहे हैं मगर टर्म ही नहीं दिए. टर्म नहीं दिए तो हमको इररेडीमेबल यूज करना पड़ेगा. वी आर लेफ्ट विद नो चॉइस, सो गो फॉर इररेडीमेबल फॉर्मूला. व्हाट इज दैट? केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स शील्ड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100. इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स शील्ड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100. सो दैट विल बी नेट प्रोसीड कितना लोगे आप? जितने का लोन है पूरा का पूरा जेब में आ रहा है क्या? यस, टर्म लोन ऑप्शन है ना. हेडिंग पढ़ो, टर्म लोन ऑप्शन है. टर्म लोन ऑप्शन वुड अट्रैक्ट नो मेजर इंसिडेंटल कॉस्ट बोल रहे वो लोग. इसका मतलब टर्म लोन में पूरा 100 लाख अपनी जेब में आएगा. डिनोमिनेटर में अपने पास लिखना पड़ेगा आपको 100. इट इज 100 लाख्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाई 96.5 क्यों नहीं लिया सर? बिकॉज इट्स एप्लीकेबल फॉर डिबेंचर्स नॉट फॉर टर्म लोन. एंड इंटरेस्ट 100 लाख्स पे कितना परसेंट? ₹14 लाख इंटू 1 माइनस 0.35 अपॉन 100 लाख्स इंटू 100 कितना था? 9.1%. 9.1% इसका इफेक्टिव कॉस्ट आ गया. अब आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है, वो है सेकंड ऑप्शन के लिए जाना है, वो है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. तो अपन बोलेंगे इफ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर इशूड, इफ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर इशूड, नाउ फ्रेंड्स इन दिस सिनेरियो केडी इज इक्वल टू आप नेट प्रोसीड कितना लेंगे? 96.5 लेंगे लैक्स. तो फॉर्मूला विल बी सेम, डिनोमिनेटर इट विल बी 96.5 लैक्स. इसको स्टार मार्क करो आप 96.5 लाख को. एंड इंटरेस्ट विल बी 96.5 लाख पे इंटरेस्ट लेंगे या 100 लाख्स पे लेंगे? ऑफकोर्स 100 लाख्स पे लेना पड़ेगा आपको. 100 लाख्स पे कितना परसेंट है? 13% विल बी 13 लाख्स. तो 13 × 1 - 0.35, 13 लाख्स इज नथिंग बट 13 × 1 - 0.35 एंड लास्ट में इंटू 100. कैलकुलेशन समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग अच्छे से? आपका आंसर कितना आता है इसका? 8.76. नीचे स्टार मार्क करके आप क्या लिखोगे? नीचे स्टार मार्क करके आप लिखोगे 100 लाख्स. किसके लिए लिखना है आपको स्टार मार्क करके? 96.5 लाख का एक्सप्लेनेशन लिखना है
तो आप बोलोगे 100 लाख माइनस 2.5%, एंड ये जो भी आएगा इसमें से माइनस 1 लाख, इसमें से माइनस करेंगे 1 लाख, सो दिस कम्स टू 96.5 लाख, दिस कम्स टू 96.5 लाख. आई आंसर एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली वॉट यू आर सॉल्विंग, वॉट इज द इंटरप्रिटेशन? अब मुझे बताओ इन दोनों में से सबसे कम कॉस्ट किसका है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. सो ऑप्शन सिलेक्ट जो होगा वो होगा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, बिकॉज उनका इफेक्टिव कॉस्ट सबसे कम है. कंक्लूजन, कंक्लूजन कंपनी शुड सिलेक्ट नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. Company should select non-convertible debentures as it results in lower effective cost of capital. As it results in lower effective cost of capital. आपको कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज याद है ना? याद है क्या कुछ? इसमें दो अप्रोचेस मेनली हमको देखने पड़ेंगे, एनआई अप्रोच और बाद में एनओआई की बात करेंगे हम लोग. पहले एनआई अप्रोच. आपको जनरल अजम्पशंस याद है क्या थ्योरी के क्या थे? चारों थ्योरीज के जनरल अजम्पशंस थे कुछ, नो प्रेफरेंस शेयर्स, नो टैक्स. No preference shares, no tax. Capital employed will remain same. Capital employed. Capital structure नहीं बोला मैंने. Capital employed will remain same. Capital structure can change. Means you can increase, decrease your debt equity, but you cannot change the total capital employed. Okay? Then, no retained earnings. All earnings are distributed as dividend. जो कमाया distributed as dividend. अगले साल फिर कमाया. फिर कमाया, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, फिर नेक्स्ट ईयर और कमाया. तो इस तरीके से हम बोल रहे हैं नो रिटेन्ड अर्निंग्स. अगर नो रिटेन्ड अर्निंग रहेगा तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये फर्म कभी ग्रो नहीं होगा. ग्रोथ कब आता है फर्म में? जब कंपनी एक्सपांशन करता है. एक्सपांशन कब पॉसिबल है? जब कंपनी के पास कुछ रिजर्व है. कुछ रिजर्व ही नहीं रहेंगे तो नो एक्सपांशन पॉसिबल, नो ग्रोथ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड आपने ये भी देखा कि फर्म अर्न्स ओनली प्रॉफिट, it is not expected to earn loss. क्योंकि all earnings are distributed as dividend ना, तो फिर earnings सिर्फ positive रहेगा, profit रहेगा. ठीक है? तो अभी NI approach क्या बोलता था, याद है क्या आपको? NI approach बोलता था the cost of debt and cost of equity remains constant throughout. आप debt equity combination कुछ भी कर लो, आपका KD and KE change नहीं होता. Means what? सपोज आप सब लोग मेरे कंपनी के इक्विटी शेयरहोल्डर्स हो, नो डेट. इसको बोलते अनलिवरेज फर्म. याद आया कुछ? इसको अनलिवर्ड फर्म बोलते हैं. अनलिवर्ड फर्म मतलब फर्म विदाउट डेट. ओके, नाउ सपोज आपका उस वक्त केई जो है केई वो 16% था. अब धीरे धीरे मैं डेट बढ़ा रहा हूं, 10%, 20%, 50% डेट बढ़ा रहा हूं. और मान लो मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड तो चेंज करना अलाउड नहीं है, क्या पूरा कैपिटल तो सेम ही होना चाहिए, स्ट्रक्चर चेंज करना अलाउड है. तो सपोज मैं क्या कर रहा हूं, जैसे जैसे डेट इश्यू कर रहा हूं, इक्विटी को बायबैक कर रहा हूं. आई एम इश्यूइंग फ्रेश डेट. फ्रेश डेट इश्यू करते साथ ही मेरे पास पैसा आएगा, उस पैसों से मैं इक्विटी को बायबैक कर रहा हूं. तो मेरा डेट इक्विटी का कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है, मगर कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज नहीं हो रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझा क्या बोला अभी? तो फ्रेश इश्यू ऑफ डेट करो, पैसा लो. पैसा लाया कि इमीडिएटली बायबैक ऑफ शेयर कर लो, तो इक्विटी कम हो जाएगा और डेट बढ़ जाएगा. इक्विटी कम होगा, डेट बढ़ेगा. ऐसा अगर मैं कर रहा हूं तो इससे इक्विटी का प्रोपोर्शन कम होकर डेट का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है. मगर अजम्पशन बोलता है ऐसा करने से भी
इक्विटी का कॉस्ट चेंज नहीं होगा, 16% था 16% ही रहेगा, और डेट का कॉस्ट अगर 10% था तो 10% ही रहेगा. योर कॉस्ट ऑफ डेट एंड योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन डैश, विद द चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर. मेन अजम्पशन ऑफ एनआई अप्रोच, दो अजम्पशन, दो नहीं एक ही बोल सकते उसको, वो है केडी विल रिमेन सेम एंड केई विल ऑल्सो रिमेन सेम. आप डेट कितना भी कम लो कितना भी ज्यादा लो, केडी का रेट जो है, रेट अमाउंट नहीं, रेट सेम है. सपोज बैंक आपको 9% से लोन दे रहा है, आपने पूरे कैपिटल में से सिर्फ 10% ही लोन लिया बैंक से, तो बैंक कितना रेट लगाया आपको, 9%. अब अगर आप बोल रहे हो बैंक को कि 50% लोन चाहिए, 50% इक्विटी रहेगा, तो भी बैंक का रेट 9% ही रहेगा. इक्विटी का रेट भी अगर 16% पहले से था तो 16 ही कंटिन्यू रहेगा. आप डेट इक्विटी चेंज कर रहे हो 10-90, 50-50, 70-30, तो भी आपका कॉस्ट ऑफ डेट 9% ही रहेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% ही रहेगा. एग्जाम्पल ही समझे. तो एनआई अप्रोच के लॉजिक से आपका जो डायग्राम है ना, डायग्राम एनआई का, वो ऐसा था कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां पे था आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल और यहां पे था आपका डेट इक्विटी का मिक्स. याद आया कुछ? यहां पे था जीरो लेवल, मतलब यहां पे क्या है 0% डेट, इसी का मतलब है 100% इक्विटी. मगर जब हम एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ रहे थे तो आप डेट के प्रपोर्शन को बढ़ाकर इक्विटी के प्रपोर्शन को कम कर रहे थे. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना अभी, एग्जैक्टली वही सेम चीज एक्स एक्सिस पे हो रही है. जब आप ओरिजिन पॉइंट से राइट हैंड साइड जा रहे हो, आप फ्रेश इश्यू ऑफ डेट कर रहे हो, उससे जो पैसा आ रहा है उससे बायबैक ऑफ इक्विटी कर रहे हो. इसलिए मैं डेट को अप एरो करके बता रहा हूं कि वो बढ़ रहा है, और इक्विटी को डाउन एरो करके मैं उसका प्रपोर्शन कम हो रहा है ये बता रहा हूं आपको. अब ऐसे सिनेरियो में अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी योर केडी विल रिमेन सेम एंड ऊपर केई विल रिमेन सेम. आपको याद होगा तो जनरल अजम्पशन में हमने एक अजम्पशन देखा था, कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलवेज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. और रियल लाइफ में ये वैलिड है कि डेट का कॉस्ट कभी भी इक्विटी के कॉस्ट से कम होता है. टैक्स डिडक्टेबल है ना, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, तो उसका कॉस्ट कभी भी कम रहेगा एंड इक्विटी का कॉस्ट कभी भी ज्यादा रहेगा. दूसरी बात, इक्विटी के जो ओनर्स है वो तो रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी है, डेट होल्डर्स के जो ओनर है वो तो लेंडर ऑफ द कंपनी है. लेंडर ऑफ द कंपनी के एक्सपेक्टेशंस फिक्स रहते हैं, जो रियल ओनर्स होते हैं जिनका रेसिडुअरी इनकम होता है उनके एक्सपेक्टेशंस कभी भी हाई होते हैं. बिकॉज दे आर द रियल ओनर्स दे विल एक्सपेक्ट मोर रिटर्न्स, एंड डेट होल्डर्स बिकॉज दे आर नॉट ओनर्स दे आर आउटसाइडर्स दे विल एक्सपेक्ट फिक्स्ड रेट, नॉट लेस, फिक्स्ड रेट. समझे. तो कॉस्ट ऑफ डेट सस्ता होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी महंगा होता है. ये थ्योरी क्या बोलता है, कितना भी डेट बढ़ाओ डेट का कॉस्ट परसेंटेज वाइज सेम रहेगा, कितना भी इक्विटी बढ़ाओ या कम करो इक्विटी का परसेंटेज वाइज कॉस्ट सेम रहेगा. इस लॉजिक से मैंने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ किए दो. एग्जांपल के लिए अगर लिखना है तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, यहां पे 9% है एग्जांपल और यहां पे 16% है, 16% है एग्जांपल, 9% एंड 16%. नाउ फ्रेंड्स, अगर मुझे केओ दिखाना है, केओ कहां से दिखाऊं मैं, केई के वहां पे वाई एक्सिस और केई का जो स्टैंड पॉइंट है वहां पर आएगा आपका केओ. क्यों? एग्जैक्टली, ओरिजिन पॉइंट पे डेट कितना है, जीरो. कंपनी के पास क्या है, ऑल इक्विटी, तो कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट में इक्विटी को छोड़ा तो कुछ आएगा ही नहीं ना. अगर कंपनी ऑल इक्विटी कंपनी है तो कंपनी का जितना केई है उतना ही कंपनी का केओ रहेगा, क्योंकि कंपनी के पास इक्विटी को छोड़कर कुछ भी नहीं. तो फिर मेरा केओ शुरू होगा यहां से, केई से. डॉट दिख रहा है क्या? अब इसके बाद जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे तुम आगे बढ़ रहे हो तुम डेट को बढ़ा रहे हो. ध्यान से सुनो दोस्तों, डेट जो है ना सस्ता कैपिटल है,
उसका कॉस्ट ऑफ डेट कितना है 9% है, उसको आप बढ़ा रहे हो, और इक्विटी को आप कम कर रहे हो जिसका कॉस्ट जो है वो 16% है। तो आप महंगे कैपिटल का प्रपोर्शन कम कर रहे हो, सस्ते कैपिटल का प्रपोर्शन बढ़ा रहे हो, इससे ओवरऑल इंपैक्ट क्या आएगा, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम 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 होते जाएगा, और इसलिए आपका केओ जो है वो ऐसे लाइन आता था, याद है क्या आपको, केओ का लाइन इस तरीके से आता था। क्यों कम 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 हो रहा है केओ, क्योंकि मैं डेट बढ़ाते जा रहा हूं और साथ ही साथ जो पैसा आ रहा है उससे इक्विटी को कम कर रहा हूं, तो मेरे पास 16% वाला पैसा कम हो रहा है, 9% वाला पैसा बढ़ रहा है, तो ओवरऑल पैसों का कॉस्ट कम होगा ना, सिंपल। तो इस लॉजिक से मेरा क्यों कम कम होगा। आपको याद है एनआई अप्रोच में हम लोग लास्ट में क्या ढूंढते थे, स्टेप्स थे इसके, याद है आपको, 6 स्टेप्स थे इसके, इसके 6 स्टेप्स में से 6th स्टेप क्या था, ध्यान से सुनो, कोई भी थ्योरी रहने दो, कोई भी एनआई एनओआई कोई भी थ्योरी रहने दो, जिस थ्योरी में जो चीज चेंज होगी ना वो उसका लास्ट स्टेप बनेगा। इस थ्योरी में क्या चेंज हो रहा है, केडी के ही चेंज हो रहा है क्या, नहीं, मगर क्यो चेंज हो रहा है, तो आपका लास्ट स्टेप विल बी फाइंडिंग क्यो, क्योंकि वो चेंज हो रहा है तो वही ढूंढना पड़ेगा आपको। एंड गिवन क्या रहेगा, जो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट क्या है, केडी एंड के। इसके स्टेप्स में आपको रिकॉल करा देता हूं, पहले आप डायग्राम ड्रॉ कर लो। y एक्सिस पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, x एक्सिस पर डेट इक्विटी का मिक्स है, y एक्सिस पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, x एक्सिस पर डेट इक्विटी का मिक्स, ओरिजिन पॉइंट पर 0% डेट 100% इक्विटी, ओरिजिन पॉइंट 0% डेट 100% इक्विटी। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो दो, एक केडी और एक केई, स्ट्रेट लाइन केडी एंड केई, एग्जांपल लिखना है तो लिखो, नहीं तो जरूरत नहीं वैसे, बट 9% और 16% आपका शुरुआत होगी केओ की केई के साथ, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट पे कोई डेट ही नहीं है, सिर्फ इक्विटी है। अगर सिर्फ इक्विटी रहेगा तो कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट में और कुछ आएगा ही नहीं इक्विटी को छोड़कर, इसलिए केओ जो है वो केई से शुरू होता है, और जैसे जैसे तुम एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ते हो आपका केओ कंटिन्यूअसली कम होता है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली सस्ता कैपिटल ऐड करके महंगा कैपिटल कम कर रहे हो, तो आपके ओवरऑल पैसों का कॉस्ट कम 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 होगा। डन, स्टेप्स लिखे अभी, फ्रेंड्स योर फर्स्ट स्टेप नीचे लिखता हूं मैं यहां पे, स्टेप्स मेरे साथ साथ लिखो, स्टेप्स, पहला स्टेप ध्यान से सुनो, आप डेट इक्विटी को चेंज कर रहे हो, इससे सेल्स चेंज होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम ही है, मतलब 1 करोड़ अगर मेरे पास थे, पूरे फर्म के पास अगर 1 करोड़ थे, अभी भी 1 करोड़ ही रहेंगे, सिर्फ उसका कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है, पहले पूरे 1 करोड़ इक्विटी से आते थे, अब शायद 20 लाख डेट से आके 80 लाख इक्विटी से आ रहा है, शायद 40 लाख डेट से आया तो 60 लाख इक्विटी से आ रहा है, 50 लाख डेट से आया तो 50 लाख इक्विटी से आ रहा है। आई एम चेंजिंग द कॉम्बिनेशन, आई एम नॉट चेंजिंग द टोटल। डू यू थिंक सेल्स विल चेंज, क्या संबंध है, सेल्स
पैसा कितना इन्वेस्ट किया उस पर डिपेंड करता है, और ओवरऑल पैसा कितना इन्वेस्ट किया वो चेंज नहीं कर रहे हम लोग, तो सेल्स चेंज नहीं होगा। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा क्या? नहीं। तो कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा। फिक्स कॉस्ट चेंज होगा क्या? नहीं। ऑपरेशन का फिक्स कॉस्ट क्यों चेंज होगा? वो भी सेम रहेगा। ईबीआईटी तक हर चीज सेम रहेगी। इसीलिए क्योंकि आप ये पढ़ रहे हो, ये चैप्टर का नाम क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर। यू आर गोइंग टू चेंज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द ओवरऑल कैपिटल। इसलिए आपके आंसर की, हर एक आंसर की शुरुआत ईबीआईटी से होगी। एवरीवन, स्टेप वन विल बी ईबीआईटी। सेकंड स्टेप ईबीटी और एनआई। क्या बुला रहा हूं मैं, देख रहे हो क्या आप? ईबीटी को मैं एनआई बुला रहा हूं। नो टैक्स नो प्रेफरेंस शेयर्स। इफ देर आर नो टैक्स नो प्रेफरेंस शेयर्स, देन ईबीटी में से टैक्स लेस नहीं होगा, ईएटी में से पीडी लेस नहीं होगा, तो डायरेक्टली ईबीटी को एनआई बोल सकते ना फिर। सो ईबीटी और एनआई इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। एंड ईबीटी को आप एनआई क्यों बोल रहे हो? उसके दो रीजन है, नो प्रेफरेंस शेयर्स, नो टैक्स। लिखना है तो लिख लो, ईबीटी को आप एनआई इसलिए बुला रहे हो बिकॉज नो प्रेफरेंस शेयर्स, नो टैक्स, नो प्रेफरेंस शेयर्स, नो टैक्स। सो ईबीटी इटसेल्फ इज योर एनआई। नाउ टेल मी, एनआई किसको बिलोंग करता है? इक्विटी वालों को। तो हम लोग निकालेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को हम सिंबॉलिकली एस बुलाते हैं। एस स्टैंड्स फॉर शेयर्स, शेयर्स। सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी सिंबॉलिकली एस, एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज एनआई अपॉन के। एस इज इक्वल टू एनआई अपॉन के। इसका लॉजिक मैं आपको नेक्स्ट स्टेप से बताऊंगा। चाहिए तो आप इधर लिख दो लॉजिक स्टेप फोर। इसका लॉजिक स्टेप फोर के बाद ही आपको समझ सकता है। स्टेप फोर क्या है? अब आपने जस्ट स्टेप थ्री में क्या निकाला? इक्विटी का वैल्यू। अब फर्म के पास और क्या है? डेट। तो डेट का वैल्यू निकालते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। इसको सिंबॉलिकली डी बुलाया जाता है, डी। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज नथिंग बट डी। डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन केडी, इंटरेस्ट अपॉन केडी। ये कहां से आया? आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है क्या? बोलो, इंटरेस्ट इज इक्वल टू डेट इंटू केडी, कर सकता हूं ना मैं? एवरीवन, इंटरेस्ट का लॉजिक क्या है? डेट इंटू केडी। तो अब इसको मॉडिफाई करके मैं वैल्यू ऑफ डेट अगर निकालना चाहूं तो डेट जो मल्टीप्लाइड है वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा। सो जो डेट का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा इंटरेस्ट अपॉन केडी। आया क्या समझ में? ये डेट इज इक्वल टू अगर करना रहेगा तो ये केडी इधर चला जाएगा ना नीचे। नाउ जैसे तुमने स्टेप फोर में निकाला वैसे अब मैं स्टेप थ्री समझाऊंगा आपको। स्टेप फोर में नीचे क्या लिखा है? डेट का वैल्यू। ऊपर क्या लिखा है? इक्विटी का वैल्यू। न्यूमरेटर में इंटरेस्ट लिखा है बिकॉज डेट वालों को आप इंटरेस्ट पे करते। वैसे ही सेम तरीके से इक्विटी वालों को आप क्या पे करते हो? डिविडेंड। इन दिस सिनेरियो होल नेट इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। अजम्पशन में पढ़ा ना, ऑल अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग डिविडेंड आई एम कॉलिंग एनआई, नेट इनकम। एंड उधर के डिनोमिनेटर में लिखा था केडी स्टेप फोर के, ऊपर के डिनोमिनेटर में लिखा है के ई बिकॉज इक्विटी है और नीचे डेट है। तो इसका पूरा लॉजिक जो है वो स्टेप फोर से आ रहा है। स्टेप फोर में आपने क्या किया उसका लॉजिक आप स्टेप थ्री में यूज कर रहे हो। समझे अच्छे से? फिर से सुन लो, डेट वालों को इंटरेस्ट पे करते इसलिए इंटरेस्ट न्यूमिनेटर में है। ऊपर इक्विटी वालों को आप पे करते हो एनआई। पे करते हो क्या एनआई? यस, अजम्पशन में लिखा है ऑल अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। नीचे केडी लिखा है डिनोमिनेटर में, ऊपर के ही लिखा है क्योंकि नीचे डेट है तो ऊपर इक्विटी है। समझ गए? अब आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आ गया, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और इक्विटी दोनों है तो आप मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकाल सकते हो, जिसको सिंबॉलिकली क्या बोलते हैं? वी,
वी इज इक्वल टू एस प्लस डी आ जाएगा, वी इज इक्वल टू एस प्लस डी क्यों आ रहा है, बिकॉज फर्म के पास डेट और इक्विटी को छोड़कर तीसरा आइटम ही नहीं है, तो जितना भी डेट इक्विटी का वैल्यू रहेगा उतना ही आपका फर्म का वैल्यू रहेगा, सो दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म वी। एंड लास्ट स्टेप, नाउ स्टेप सिक्स, क्या निकालना था आपको डायग्राम में देखो, केओ निकालना था क्योंकि केओ चेंज हो रहा था, केओ इज इक्वल टू, ध्यान दो सब लोग, केओ इज इक्वल टू ई बी आई टी अपॉन वी इंटू 100, ई बी आई टी अपॉन वी इंटू 100। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ ई बी आई टी अपॉन वी इंटू 100? देखो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है मुझे, क्या निकालना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मुझे बोलो दोनों कैपिटल अगर मैं डिनोमिनेटर में रख दूं तो ओवरऑल हो जाएगा वो। दोनों कैपिटल को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं एस दूसरे को बोलते हैं डी। दोनों कैपिटल आ गए, ओवरऑल कैपिटल आ गया डिनोमिनेटर में। इन दोनों का रेस्पेक्टिव कॉस्ट न्यूमेरेटर में रखना है मुझे। एस का कॉस्ट क्या है, इक्विटी वालों का कॉस्ट क्या है, एना है। एना है मतलब इस सिनेरियो में क्या है, ई बी टी। एना इज नथिंग बट ईबीटी एंड प्लस डेट इज नथिंग बट, डेट का कॉस्ट इज नथिंग बट इंटरेस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ईबीटी प्लस आई इज ईबीआईटी, एस प्लस डी इज वी, एंड लास्ट में इन 200 क्यों कर रहे, क्योंकि ये परसेंटेज कॉस्ट चाहिए ना अपने को, अपने को ओवरऑल कॉस्ट चाहिए, वो परसेंटेज में चाहिए। सो दैट इज द लॉजिक ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्यों का लॉजिक है ये। आपके छह स्टेप आपके सामने हैं जो आपको एनआई अप्रोच में यूज करने हैं। समझ गए अच्छे से? एक बार विदाउट देखे बोलेंगे स्टेप, सभी ट्राई करते चलो। सबसे पहले शुरुआत ईबीआईटी से होगी, माइनस करेंगे इंटरेस्ट तो मिलता है ईबीटी और एनआई, बिकॉज देर आर नो प्रेफरेंशियस, देर आर नो टैक्स, तो ईबीटी इटसेल्फ इज एनआई। एनआई किसको बिलोंग करता है, इक्विटी वालों को। तो फिर इक्विटी का वैल्यूएशन निकाल सकते हैं हम लोग, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज नथिंग बट एनआई अपॉन के ई। कहां से आया, स्टेप फोर से आया। स्टेप फोर पे जाते हैं, वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ डेट डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन के डी। ये कहां से आया फॉर्मूला, इंटरेस्ट के फॉर्मूले से आया। इंटरेस्ट इज इक्वल टू डेट इंटू के डी करते अपन लोग, डेट इंटू के डी करते तो इंटरेस्ट आता है, तो डेट इज इक्वल टू करेंगे तो इंटरेस्ट अपॉन केडी हो जाएगा। और यही फॉर्मूला का लॉजिक हम स्टेप थ्री में लगा रहे हैं, नीचे डेट इसलिए डिनोमिनेटर में केडी, ऊपर इक्विटी तो डिनोमिनेटर में के ही आएगा। नीचे डेट था, न्यूमरेटर में इंटरेस्ट आया क्योंकि आप डेट वालों को इंटरेस्ट पे करते हो, ऊपर इक्विटी है इसलिए न्यूमरेटर में एनआई आना चाहिए। एनआई मतलब ईबीटी, एनआई कुछ भी लिखा तो भी चलेगा। सो फॉर्मूला क्या बनेगा, ऊपर का एनआई अपॉन के, नीचे का इंटरेस्ट अपॉन केडी। आ गया मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। तो फिफ्थ स्टेप शुड बी, दोनों वैल्यू आ गए तो दोनों को ऐड करके फर्म की वैल्यू आ सकती है, क्योंकि फर्म के पास डेट इक्विटी को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। तो वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू एस प्लस डी, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। नाउ फाइनल स्टेप, केओ, केओ इज इक्वल टू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में एस प्लस डी रखो, क्योंकि ओवरऑल कैपिटल में दो ही कैपिटल है आपके पास, दोनों कैपिटल डिनोमिनेटर में रखो, दोनों के रेस्पेक्टिव कॉस्ट को न्यूमिनेटर में रखो, इन 200 करो। तो डिनोमिनेटर में दोनों रखेंगे तो एस प्लस डी रखेंगे, मतलब वी रखेंगे। दोनों के कॉस्ट को न्यूमिनेटर में रखेंगे, एस का कॉस्ट क्या होता है, एनआई होता है। एनआई मतलब क्या, ईबीटी। एंड डेट का कॉस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज आई। तो न्यूमिनेटर में क्या हो गया आपके पास, ईबीटी प्लस आई, EBIT हो गया। तो फिर पूरा फॉर्मूला क्या बन गया, वैल्यू ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज KO इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट दैट इज S प्लस D, मतलब V डिनोमिनेटर में, इनका कॉस्ट EBIT न्यूमरेटर में, और लास्ट में इनटू 100। समझे? तो ये आपका NI अप्रोच के छह स्टेप्स है, और इस डायग्राम के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हो क्या है। हमने इस पूरे फॉर्म स्टेप्स के वक्त KD एंड KE डायरेक्टली यूज किया, बिकॉज ऊपर के डायग्राम में ये वो कांस्टेंट है, मतलब वो गिवन रहेगा। और इस पूरे स्टेप्स में हमने लास्ट स्टेप KO निकाला, बिकॉज लास्ट में KO चेंज हो रहा है, पूरे डायग्राम में क्या चेंज हो रहा है, KO, तो फिर KO निकाला। याद आ रहा है सब कुछ जो जो बोला? ओके, इसी के बेसिस पे हम NOI कल पढ़ेंगे और बचे हुए क्वेश्चंस कल सॉल्व करेंगे।
आज हमने जितने भी फॉर्मूलेस बनाए और ये स्टेप और ये डायग्राम जो बनाया, आज सिर्फ 15 मिनट बैठकर एटलीस्ट कुछ नहीं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चार्ट रेडी करो वापस, विदाउट देखे एक बार चार्ट रेडी कर दो, ताकि आपको ये रिकॉल हो जाएंगे। कितने फॉर्मूलेस लिखने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, 10, केडी के 2, केपी के 2 और केई के 6। आई एम श्योर यू विल डू दैट फ्रेंड्स। ओके, गुड बाय, सी यू टुमारो।